गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक, काफी साइज वाइज भी बड़ा है और काफी ज्यादा मतलब उस पर क्वेश्चन हर साल आते हैं। और टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक की शुरुआत भी इसी टॉपिक से है और यूनिट की मतलब टॉपिक जो है या इस यूनिट की शुरुआत इस टॉपिक से है। तो इसमें हर यूनिट से पहले उस पर्टिकुलर फील्ड में जिस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो यहां पर भी एक साइंटिस्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे। क्या नाम है इन मोहतरमा का? तो कैथरीन इसाउ। ये कैथरीन इसाउ अंडरलाइन करा, एनसीईआरटीचे बुक समोर ठेवा, एनसीईआरटीचे बुक समोर ठेवून हे सगळे जे पॉइंट्स आहेत ते अंडरलाइन करायचे, साइंटिस्ट इग्नोर करायचे नाही आहेत, एनसीईआरटीतलं काहीच इग्नोर नाही करायचंय। ओके, सो पुढचा 1.5 तास पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करा। दुसरी गोष्ट, या टॉपिक मध्ये भरपूर असे पॉइंट्स आहेत, बहुत से ऐसी चीज आहे जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछी जाती है, मतलब एनसीईआरटी का कॉन्टेंट सफिशियंट नहीं है इस टॉपिक के लिए। तो जो नोट्स में इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड करूंगा उसमें उसे रेफर करना है, मतलब वो नोट्स भी आपके साइड में रखा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन से। नाम क्या है? कैथरीन इसाउ। ये जो मोहतरमा थी ये यूक्रेन में 1898 में इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था और ये 1997 तक मतलब लाइफ थी। इनका जो लाइफ स्पैन मतलब ड्यूरेशन है जिंदगी जो थी काफी अच्छी हेल्दी, 99 साल की जिंदगी इन्होंने जी है और काफी कुछ उसमें अचीव भी किया है। बहुत ज्यादा हेवी कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका प्लांट के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में। तो ये जो कैथरीन इसाउ है यूक्रेन में 1988 में बॉर्न हुई, उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की। गोष्टी सारखं लक्षात ठेवायचं, एग्रीकल्चर मध्ये त्यांनी एज्युकेशन घेतलं कुठे? रशिया आणि जर्मनी मध्ये। आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांचं डॉक्टरेट कंप्लीट केलं 1931 ला अमेरिकेमध्ये, युनायटेड स्टेट्स मध्ये। ओके, अब उसके बाद उन्होंने कुछ पब्लिकेशंस, कुछ उनके लिखे हुए पब्लिकेशंस पब्लिश किए और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया था कि कर्ली टॉप वायरस जो होता है प्लांट में, वो कर्ली टॉप वायरस प्लांट में फ्लोएम के थ्रू स्प्रेड होता है। ये उनका पहला काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च था कि कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू द प्लांट वाया फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू वो स्प्रेड होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये पॉइंट हाईलाइट कर लो, प्लांट एनाटॉमी नाम का एक बुक पब्लिश किया, प्लांट एनाटॉमी, और वो बुक काफी ज्यादा फेमस हुआ प्लांट एनाटॉमी नाम का। कब? 1954 में। 1954 में प्लांट एनाटॉमी पब्लिश करने के बाद, जस्ट अ मोमेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? इज देयर एनी डाउट इन द ऑडियो और वीडियो? कुछ दिक्कत है? ओके, सो इन्होंने दूसरी बुक 6 साल के अंदर दूसरी बुक लिखी। क्या नाम था? जस्ट अ मोमेंट, शायद वहां पे मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे, एक मिनट। ऑडियो और वीडियो में कुछ दिक्कत हो तो पोस्ट कीजिए। ओके, सब क्लियर है? यस, चलो फिर। यस, तो कहां तक पहुंचे हम? इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के बाद में हम बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सो इसाउ ने प्लांट एनाटॉमी बुक पब्लिश की। ये प्लांट एनाटॉमी 1954 में पब्लिश हुई और उसके 6 साल के अंदर उन्होंने दूसरा बुक मतलब 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट पब्लिश किया। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, पहला क्या था? प्लांट एनाटॉमी, और उसके बाद एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। ये एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट इतना फेमस हुआ कि वो एनसाइक्लोपीडिया की तरह यूज होने लगा, लोग रेफरेंस के लिए इस बुक को यूज करने लगे। काफी ज्यादा उसमें मतलब कंटेंट जो था वो वैल्यूएबल कंटेंट था और वो लोग एनसाइक्लोपीडिया की तरह यूज करने लगे। 1957 में शी वॉज इलेक्टेड टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में उनको सिलेक्ट किया गया, वहां पर उनको किसी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया 1957 में, और वो ऐसा मतलब इलेक्ट किए जाने वाली 6th वुमन थी। मतलब वहां उनसे पहले सिर्फ 5 ही वुमन को यह ऑनर मिला था, 5 ही औरतों को यह ऑनर मिला था इस पोस्ट पर अपॉइंट होने का। देन इसके बाद उनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला जॉर्ज बुश जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस वक्त के,
तो उन्होंने 1989 में इनको नेशनल जो मेडल है साइंस का वो दिया। देन इसके बाद 1997 में उनकी डेथ हो गई। ओके 99 साल का उनका लाइफ स्पैन था। उस लाइफ स्पैन में काफी कुछ बड़े अचीवमेंट्स किए गए थे उनके द्वारा। देन पीटर रेवन जो थे, जो कि डायरेक्टर है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी मसूरी बॉटनिकल गार्डन के, उन्होंने कहा कि जब तक ये जिंदा थी तब तक उन्होंने ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का फील्ड था उसको पूरी तरह से डोमिनेट किया, पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेट किया इस औरत ने। उस दौरान जब तक भी वो जिंदा थी उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ काम करती गई वो, और नए नए बुक्स, नए नए रिसर्च पब्लिश करती गई। तो एक बार ब्रीफली फिर से एक बार देख लेते हैं। तो कैथरीन इसाउ यूक्रेन में उनका जन्म हुआ 1898 में। देन उन्होंने रशिया और जर्मनी से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। डॉक्टरेट उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से 1931 में कंप्लीट किया। उसके बाद उनके पब्लिकेशंस आ रहे थे एक एक करके। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज उनके पब्लिकेशन में उन्होंने दी कि कर्ली टॉप वायरस जो है वो प्लांट में फ्लोएम से फैलता है। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी प्लांट एनाटॉमी 1954 में। उसके बाद 1960 में एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स लिखा जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ। उसके बाद 1957 में उनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस पे इलेक्ट किया गया। ऐसा होने वाली वो सिक्स्थ औरत थी। देन जॉर्ज बुश ने उनको कौन सा अवार्ड दिया? नेशनल मेडल ऑफ साइंस से उनको सम्मानित किया गया वहां पर। कब? 1989 से। जॉर्ज 1989 में जॉर्ज बुश कौन थे तब? वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और उसके बाद 1997 में उनकी डेथ हो गई। पीटर रेवन जो थे, ये पीटर रेवन ने कहा कि जब तक वो जिंदा थी तब तक उन्होंने इस फील्ड को पूरी तरह से डोमिनेट किया, पूरी तरह से डोमिनेट किया। ओके सो चलो भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक एकदम सोपा नहीं, इंटरेस्टिंग आहे आणि बेसिक पण आहे। म्हणजे तुम्हाला पुढे प्लांट फिजियोलॉजी आणि किंगडम प्लांटी वगैरे असे जे टॉपिक आहेत ते समजण्यासाठी हा टॉपिक अति जास्त इम्पॉर्टंट आहे। तर त्याच्यामुळे पुढचा 1.5 तास पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशनने लक्ष द्या। रिझल्ट लागलेला आहे, काही जणांचा रिझल्ट लागला आहे, काही जणांचा निकालच लागला आहे। त्याच्यामुळे जे काही असेल तर म्हणजे तुमचं ज्यांचं आता डिसिजन झालेलं आहे रिपीट करण्याचं, त्यांनी बाकी गोष्टींकडे लक्ष न देता पूर्ण अटेन्शन ने तिन्ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तिन्ही जे लेक्चर्स करायचे आहेत, ओके, रिझल्ट लागलेले पण आणि निकाल लागलेले पण, ओके। त्यानंतर एक गोष्ट, ही गोष्ट पक्की लक्षात ठेवा, दरवर्षीचा अनुभव आहे माझा, ज्यांचा स्कोर 200 च्या आतही असतो, अशीही मुलं हे 500 च्या वरती गेलेले 600 ला टच करतायत, ओके। अशीही एक्सपिरियन्सेस आहे रिपीट मध्ये। आणि दुसरी गोष्ट, ज्यांचा स्कोर 500 आहे आणि ते त्याच फॉर्म मध्ये, किंवा नाही आपला स्कोर 500 आहे, आपल्याला फक्त 100 मार्क्स घ्यायचे, आपल्याला फक्त 150 मार्क्स घ्यायचे, ते रिव्हर्स येणारी मी पाहिलेले आहेत। म्हणजे दरवर्षी दोन्ही गोष्टी घडतात। 500 सुरुवातीला, म्हणजे आता सपोज 500 किंवा 450 च्या वरची, 450 से 500 की रेंज वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसमें से कुछ बच्चे जो है वो रिपीट के इस साल में उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उन्होंने प्रीवियस ईयर में की होती है, और वो स्टूडेंट जो है वो रिवर्स आ जाते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं हर साल का ये, कि जिनका स्कोर 150 200 है और वो मतलब 500 क्रॉस कर जाते हैं, वो रिपीट के एक साल में सब कुछ कवर करके एमबीबीएस की सीट क्रैक कर लेते हैं। आणखी एक गोष्ट, तुमच्या पैकी बरेच जण प्रॉब्लम्स कडे फोकस करतायत की ऑनलाइन आहे, त्याच्यानंतर हा प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सगळं जग फोकस करते। त्यातले पुढच्या वर्षी 4,500 च्या आसपास मुलं एमबीबीएसला जाणार आहे ज्यांना प्रॉब्लम नाही, ज्यांना सोल्युशन्स दिसतील। आणि म्हणजे लक्षात ठेवा की एकदम सोप्या गोष्टी आहेत फार, की तुम्ही आता पेपर देऊन आलेले आहेत, किती साध्या 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 गोष्टी असतात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजीच्या, फक्त फोकस्ड आणि फार बाहेर एनसीईआरटीच्या न जाणे हा रूल जो फॉलो करेल ते लागतील पुढच्या वर्षी। मी तुम्हाला मागेही बोललो होतो की माझं एक रिपीट आहे, म्हणजे एमबीबीएसला मी 12वीनंतर एक रिपीट केलं होतं, आणि तेव्हाही मी म्हटलं होतं की माझा 12वीचा सिलेबस वेगळा होता आणि रिपीटचा सिलेबस वेगळा होता। म्हणजे आमची 12वीच्या सिलेबसला झाली, आम्ही रिपीटला यायचं पण सिलेबस चेंज झाला, म्हणजे आमचं रिपीट कम्प्लिटली नवीन सिलेबसचं होतं आणि सिलेबस खूप चेंज झाला होता, म्हणजे आम्ही सगळंच नवीन शिकत होतो त्यावेळेला। तरी लागलेत लागणारे सगळे त्यावेळेची, तर हार्डवर्कला पर्याय नाहीये, कारण शोधू नका, कम्प्लिटली फोकस्ड रहा। यस 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 अनिरुद्ध,
देतो, हा असू देतच देतो, करूत आपण. मी तुम्हालाही एक प्लॅन बनवायला सांगितला होता, तुम्ही केलाय का तुमचा प्लॅन, स्टडी प्लॅन, तुमचे 6 महिन्याचे स्टडी प्लॅन तुम्ही पण करा. मी पण एक कॉमन स्टडी प्लॅन करतोय 6 महिन्याचा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तिन्हीसाठी. त्याच्यामध्ये तुमचा स्टडी प्लॅन रेडी ठेवा आणि तुम्हाला जे चेंजेस करणं योग्य वाटेल, मी ज्यावेळेला स्टडी प्लॅन डिस्कस करेल त्याच्यावरनं, तर ते चेंजेस तुमच्या प्लॅन मध्ये करा. पण एक लक्षात ठेवा, काहीही असो तुमचं ऍव्हरेज 15 तासाचं मेंटेन झालं पाहिजे अभ्यासाचं, काहीही असू दे, 15 तासाचं ऍव्हरेज मेंटेन झालं पाहिजे. त्यानंतर लेक्चर्स कुठलेच बंक करायचे नाही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कम्प्लिटली ऑफलाईनला जसं चालतो तसा शेड्यूल फॉलो करायचा आहे. तर चला आपण त्या सायंटिस्टच्या अचीवमेंट बघितल्या, आता आपण येऊया टॉपिक वर. टॉपिकचं नाव आहे मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो यहाँ पे दो वर्ड्स क्लियर कर देता हूं, पहले मॉर्फोलॉजी और दूसरा वर्ड क्या आएगा, एनाटॉमी. तो दोनों भी टॉपिक है, पहला टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, दूसरा एनाटॉमी है, इसके बाद वाला ही टॉपिक एनाटॉमी है. तो मॉर्फोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, एक्सटर्नली तो ऑर्गेनिज्म कसा असतो हे मॉर्फोलॉजी मध्ये शिकलं जातं, आणि एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, इंटरनली ऑर्गेनिज्म कैसा है वो पढ़ाया जाता है. एमबीबीएस फर्स्ट इयरला एनाटॉमी नावाचा एक सब्जेक्ट है, आणि जे तुमच्या सगळ्यांमध्ये फेमस असते की डेड बॉडीचं डिसेक्शन आपण करत असतो एमबीबीएस फर्स्ट इयरला, तर ते डेड बॉडीचं डिसेक्शन हे त्या एनाटॉमी मध्ये केलं जातं, आणि तिथं आपली पूर्ण बॉडी ते कॅडावर इंटरनली स्टडी केलं जातं की लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, बोन्स, मसल्स, त्यांचे अटॅचमेंट, एव्हरीथिंग ते जे असतं ते इंटरनली स्टडी करण्यासाठी तिथे ती डेड बॉडी जी आहे तिचं डिसेक्शन केलं जातं, आणि ते एनाटॉमी मध्ये असतं. म्हणजे मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हाइल मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी में बाहर से ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है, एनाटॉमी में अंदर से ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम प्लांट को बाहर से पढ़ेंगे, प्लांट और प्लांट के अलग अलग पार्ट, और एनाटॉमी जो इसके बाद वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम ऑर्गेनिज्म अंदर से पढ़ेंगे. तो लेट्स मूव मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली पढ़ना है, बाहर से पढ़ना है. किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए और उसको समझने के लिए, टू क्लासिफाई एंड अंडरस्टैंड प्लांट, किसी भी प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को कह लो, वहां पर प्लांट लिखा है इसलिए प्लांट कह रहा हूं एनसीईआरटी में, लेकिन ये सेंटेंस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड है. किसी भी प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए प्रॉपरली हमें साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड, हमें वहां पे किस चीज की जरूरत होती है, तो वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टर्म्स, हमें स्टैंडर्ड टर्म्स पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पता होने चाहिए. मतलब अगर हमें पता ही नहीं है कि एम्ब्रियो का मतलब क्या है तो हम बात ही नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमें एम्ब्रियो पता होना चाहिए, रेडिकल पता होना चाहिए, हमें रूट किसे बोलते हैं, शूट किसे बोलेंगे, शूट के बाद शूट में पार्ट्स, ये सारी चीजें जो है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते समय ऐसे जो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन यूज होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए. साथ ही साथ हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन मिलते हैं वो वेरिएशन भी पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग प्लांट जो है वो उनके रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स में वेरिएशन दिखाते हैं टू अडेप्ट इन गिवन हैबिटेट. जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर अडेप्ट होने के लिए वो उनके पार्ट्स में अलग अलग वेरिएशन दिखाते. कशे ते सांगणार आहे मी, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर क्लाइंबिंग, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. तर बघा आता आपण रूट म्हणजे जमिनीच्या खाली इमॅजिन करतो, ओके. रूट म्हटलं की तुमचं असं असतं की प्लांट आपण उपटून काढलं की त्याच्या खाली आपल्याला रूट सापडतात, पण आता मी पुढच्या अर्धा तासात तुम्हाला असे रूट दाखवणार आहे की जे जमिनीच्या वरती आहेत. म्हणजे ते रूट्स का तसे आहेत, कारण तिथं ते जे प्लांट्स आहेत त्यांचं ते अडॅप्टेशन आहे कुठल्या तरी कारणाने. आपण रूट जमिनीखाली इमॅजिन करतो, पण बनियान ट्री मध्ये वरतून काय येतात, रूट्स खाली येत असतात, ओके. वरतून रूट्स पिलर्स खाली येत आहेत, आपण पाहिलेलं असतं तुम्ही त्याला पकडून झोका खेळतात, ओके. त्या मुळ्या नसतात का रे वडाच्या झाडाच्या वरतून आलेल्या, तर ते रूट्स आहेत ऍक्च्युली, त्याला पिलर्स म्हणतात. तर ते पण एक मॉडिफिकेशन आहे, ओके, बनियान ट्री मध्ये. ओके, सो पॉइंट मेरा ये है कि हम जो स्टैंडर्ड रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, स्टे या फिर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स पढ़ते हैं उनमें
प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॅप्टेशन्स या चेंजेस आते, त्यांच्यामध्ये वेगळंपण येतं. जसं की गाजर, काय गाजर हे रूट आहे, आपण खातो त्याला का, कारण त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट स्टोअर्ड असतं, त्याच्यामध्ये फूड स्टोअर्ड असतं. मुळा जो आपण खातो ते पण काय, कांदा मुळा भाजी, तर त्यातला जो मुळा असतो तो पण रूट आहे. ओके, तर हे रूट आणि आपल्या शेतामध्ये जे मिरचीचं प्लांट आहे त्याचे रूट वेगळे काय आहेत रे, कारण मिरचीमध्ये रूटचं फंक्शन वेगळं आहे, मुळ्यामध्ये रूटचं फंक्शन वेगळं आहे, आणि त्या कॅरटमध्ये म्हणजे गाजरामध्ये रूटचं फंक्शन वेगळं आहे. तर हे रूट असून पण वेगळे वेगळे दिसत आहेत, कारण त्यांच्यामध्ये अडॅप्टेशन झालेले आहेत, त्यांच्यामध्ये व्हॅरिएशन आलेले आहेत, फॉर द पर्पज ऑफ सर्वायवल इन डिफरंट हॅबिटॅट, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ क्लाइंबिंग, फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. तर आपल्याला कुठल्याही प्लांटला, कुठल्याही ऑर्गॅनिझमला, कुठल्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला क्लासिफाय करायचं असेल आणि अंडरस्टँड करायचं असेल तर आपल्याला स्टँडर्ड टर्म्स आणि डेफिनेशन ज्या बायोलॉजीमध्ये यूज होतात त्या माहिती पाहिजे, त्याचबरोबर त्या वेगवेगळ्या प्लांट्स मध्ये व्हॅरिएशन काय येतात ते पण आपल्याला माहित पाहिजे. ओके, अब बात करते हैं, देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे एडाप्टेशन होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे एडाप्टेशन होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कितीतरी टाइपचे असतात, त्यांच्यामध्ये खूप जास्त डायव्हर्सिटी आहे, फिर भी ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जस्ट अ मोमेंट, इनमें कुछ चीजें हर प्लांट में कॉमन है. दिस इज द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए दिया गया है. इस डायग्राम को अगर देखोगे आप तो ऊपर फ्लावर है, ये फ्रूट है, तुम मना लो असं कसं फ्रूट, तो ये शेंग है, इट इज अ पॉड, तो फ्रूट है. उसके बाद ये क्या दिख रहा है, ये स्टेम है, लीफ है, देन नीचे ये जो रूट्स है, रूट. तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि फ्लावरिंग प्लांट भले ही अलग अलग टाइप के एडाप्टेशन दिखाते हो, ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स में भले ही अलग अलग टाइप के एडाप्टेशन हो, लेकिन हर फ्लावरिंग प्लांट, हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमें फ्लावर, फ्रूट, लीफ और रूट ये चीजें मिलती ही है. ओके, बेसिक जो चीजें है जैसे कि रूट सिस्टम जमीन के नीचे जो होता है, एक लक्ष्य ठेवाता इथे पॉइंट ऑफ, जमिनीच्या खाली जे असेल उसे रूट सिस्टम कहा जाता है, और जमीन के ऊपर जो भी होता है फ्लावरिंग प्लांट में उसे शूट सिस्टम कहा जाता है. तो शूट सिस्टम में क्या आते हैं, शूट सिस्टम में लीव्स आते हैं, ब्रांचेस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं. तो ये बेसिक चीजें हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमें मिलती है, और हमें आज इसी एक एक चीज को पढ़ने के लिए शुरुआत करनी है, रूट सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे. तो फ्लावरिंग प्लांट का जो हिस्सा जमीन के नीचे है उसे रूट सिस्टम कहेंगे, जो हिस्सा जमीन के ऊपर है उसे शूट सिस्टम कहेंगे. स्टार्ट करते हैं रूट सिस्टम से, रूट पासून सुरुवात करतो है, एक एक शब्द लक्षात ठेवा. आणि अगोदरच सांगतोय एनसीईआरटी चं कंटेंट पुरेसं नाहीये या टॉपिक साठी, तर त्याच्यामुळे मी आत्ता जे शिकवणार आहे ते, आणि मी सांगतो कुठला पॉइंट एनसीईआरटी दिलेला आहे, कुठला पॉइंट एनसीईआरटी दिलेला नाहीये, तिथं तर लिहूनच घ्यायचं आहे, पण लिहिण्याच्या नादामध्ये लेक्चर जर थोडस इकडे तिकडे होत असेल, इकडे लक्ष द्यावं की लिहून घ्यावं असं जर होत असेल, तो वहां पे मैं इस लेक्चर के तुरंत बाद नोट्स सेंड करने वाला हूं आपको ग्रुप पर व्हाट्सएप, तो उस नोट से आप लिख लेना, मतलब लिखते लिखने में इतना बिजी मत हो जाना कि इधर का कंटेंट मिस हो जाए, ध्यान से पढ़ना है जो चीजें एनसीईआरटी के बाहर है. तो हम शुरू कर रहे हैं रूट सिस्टम. वो हिस्सा होता है किसी भी प्लांट का जो जमीन के नीचे है. ओके, जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है. सो दे आर प्रेजेंट बिलो द सॉइल, सॉइल के नीचे होते हैं. पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है, नोट करना है, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. मतलब समझाता हूं लिख लेने के बाद. एंड रूट्स आर निगेटिवली एरोट्रॉपिक. रूट्स निगेटिवली काय आहे, एरोट्रॉपिक आहे, आणि निगेटिवली फोटोट्रॉपिक आहेत. म्हणजे काय रे, जिओ जिओ का मतलब होता है, जिओ कौन सा, जिओ सावन, म्हणजे ते जे जे आय ओ आहे, जे जिओ तुमच्याकडे ज्याच्यावरून तुम्ही आता लेक्चर्स अटेंड करत असाल ते जिओ वेगळं, हे जी वाला जिओ आहे ये. ओके, तो जिओ मतलब जमीन. ओके, जमीन के लिए
ये वर्ड यूज होता है। तो जियोट्रॉपिक मतलब ये मिट्टी की तरफ ग्रो करते हैं, दे ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल। उसके बाद वो पानी की तरफ ग्रो करते हैं, दे ग्रो टुवर्ड्स द वॉटर। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस है, प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती है। आप कहोगे कि सर क्या बात करते हो कि एक प्लांट पर्टिकुलर हाइट के बाद कहाँ दिखता है ग्रो हो रहा है। म्हणजे आता आपण मोठे मोठे पिंपळाचे वडाचे झाडं बघतो, तुम्ही तुमच्या लहानपणापासून म्हटलं तरी आता जवळपास 50-एक वर्ष झाले असतील ना, तर ते जे प्लांट्स आहेत ते प्लांट्स तुम्ही म्हणाल तेवढंच तर दिसतं, वाढतंय कुठे? ओके, तर लक्षात ठेवा हे जे प्लांट्स आहेत ते खाली त्यांचे रूट्स कंटिन्युअसली ग्रो करत असतात। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो पानी के तलाश में ग्रो करते रहते हैं। ओके, दैट्स व्हाई ग्रोथ इन द प्लांट्स इज कंटिन्यूअस। भले उनका हाइट ना बढ़े लेकिन उनके रूट्स जो है वो पानी की तलाश में ग्रो करते ही रहते हैं। इसलिए रूट्स आर पॉजिटिवली क्या है, जियोट्रॉपिक है। जिधर मिट्टी है तुम्ही बघा, रूट ज्या पार्ट पासून निघत आहे, मी आता सांगणार आहे की रूट हे रॅडिकल पासून निघतं, रूट हे रॅडिकल पासून निघतं। रॅडिकल काय ते पुढे कळेल। सीड मध्ये एम्ब्रियो असतो, एम्ब्रियो पासून रॅडिकल आणि प्लुम्युल निघतं, प्लुम्युल पासून शूट सिस्टीम असते, रॅडिकल पासून रूट सिस्टीम असते। प्लुम्युल रॅडिकल काय ते 2 मिनिटात कळेल, पण मला हे सांगायचंय की तुम्ही रॅडिकल वरती प्लुम्युल खाली केलं, म्हणजे प्लुम्युल जमिनीकडे केलं और रॅडिकल को स्काय की तरफ भी कर दिया, तो भी रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो होंगे और शूट जो है ऊपर की तरफ ग्रो होंगे। पॉइंट इज दैट जो रूट है वो मिट्टी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और वो हमेशा पानी की तलाश में ग्रो करते रहते हैं। इसलिए हाइड्रो इज फॉर वाटर, तो दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। साथ ही वो एरोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिज्म में निगेटिव है, मतलब दे आर निगेटिवली एरोट्रॉपिक, दे आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब वो हवा से अपोजिट डायरेक्शन, जिधर हवा है जिधर एयर है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, और जिधर फोटो मतलब लाइट, लाइट से भी अवे ग्रो करेंगे। याद रखना कि रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जमीन की तरफ ग्रो करते हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक पानी की तरफ ग्रो करते हैं, निगेटिवली एरोट्रॉपिक मतलब हवा से अवे जो है हवा के अपोजिट ग्रो करते हैं, और फोटो मतलब लाइट के भी अपोजिट ग्रो करते हैं। पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे, तो पॉइंट ये याद रखना है कि मतलब इसके बाद वाला कि जब मैं शूट सिस्टम पढ़ाऊंगा इससे उल्टा होगा। जब मैं शूट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो शूट सिस्टम जमीन के ऊपर होती है, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, वो जमीन के ऊपर होती है, तब ये साइंस बदल जाएंगे। शूट सिस्टम जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, पॉजिटिवली एरोट्रॉपिक होगा और निगेटिवली जियो और निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होगा। आगे बढ़ते हैं, रूट्स के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो ओके, सीड जो होते हैं, सीड्स में एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। ओके, यस, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। जेव्हा तुम्ही सीड जमिनीत टाकता त्यावेळेला त्या सीडला प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वॉटर किंवा मॉइश्चरच्या कंडिशन मिळाल्या, म्हणजे त्या सीडला जर्मिनेट होण्यासारख्या जर कंडिशन मिळाल्या, सफिशियंट लाइट, वॉटर, टेम्परेचर, ऐसा सब कुछ उसको मिल गया कि वो सीड जर्मिनेट होता है, म्हणजे तुमच्या घरामध्ये असलेले गव्हाचे दाणे डब्यामध्ये ठेवलेले त्याच्यामधनं प्लांट नाहीयेत, पण आता आपल्याला माहिती की नवरात्रीमध्ये धान्य टाकतो आपण मातीत, तेच डब्यामधनं काढलेले गव्हाचे दाणे तिथे जर्मिनेट होत आहेत, तिथं सीड निघतंय, सीड पासून प्लांट बनतंय, कारण तिथं कंडिशन्स आयडियल मिळाल्या। अपन घरी घरामध्ये गहू ज्वारी हम रखते हैं ना खाने के लिए, तो वो जर्मिनेट नहीं होते क्योंकि उस जहां रख रहे हैं वहां पे कंडीशन नहीं, मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, एयर नहीं है। लेकिन लेकिन इज देयर एनी प्रॉब्लम इन वॉइस, आवाज का कुछ प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लग रहा है, शायद आप लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द वॉइस? नो, तो बेटा आप लोगों का प्रॉब्लम है, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। ओके, आणि लक्षात ठेवा रे सगळेच, नेटवर्क नसेल काही प्रॉब्लेम असतील, छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स येत राहणार आहे, ऑनलाईन येते शेवटी, तर त्याच्यामुळे एक लक्षात ठेवा, 5 ला लेक्चरला कधी वायफायचा वगैरे प्रॉब्लेम आला तर मी रात्री 9, 10, 11 केव्हाही लेक्चर घेईल त्या दिवशीचा, आणि नाहीच झालं तर रेकॉर्ड करून लेक्चर टाकेल मग, जर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आलाच कधी तर भविष्यात, कारण येऊ शकतो, येतच असतात प्रॉब्लेम, बडे बडे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो देखो भाई, ये सीड है, सीड को आपने मिट्टी में डाल दिया, उसको सफिशियंट एटमोस मतलब टेम्परेचर, मॉइस्चर के कंडीशंस मिल गए कि वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट कौन हो रहा है? उसमें जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो है एक तो जर्मिनेट होता है,
और ये जो एम्ब्रियो है इससे दो हिस्से निकलते हैं, एक को कहा जाता है रेडिकल और एक को कहा जाता है प्लूम्यूल। जो प्लूम्यूल है भाइयों वो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है क्योंकि वो पॉजिटिवली एरो और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, और जो रेडिकल है वो सॉइल के नीचे की तरफ ग्रो करता है, मिट्टी से नीचे ग्रो करता है, और क्योंकि वो निगेटिवली सॉरी वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, तो रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है। ये कौन है, मतलब ये कौन है, प्लूम्यूल है उससे कौन आया, शूट सिस्टम। ये कौन है, रेडिकल है उससे कौन आया, रूट सिस्टम आया। ओके, इज देयर एनी डाउट अब तक? सो यहां पे ये कौन है, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है। रेडिकल नीचे रूट देगा, प्लूम्यूल ऊपर शूट देगा। रेडिकल और प्लूम्यूल किसका हिस्सा है, एम्ब्रियो का हिस्सा है, वो भी हम आगे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। सीड चा आत एम्ब्रियो, एम्ब्रियो पासून जर्मिनेशन नंतर रेडिकल, रेडिकल पासून रूट आणि प्लूम्यूल पासून शूट, वरचं सगळं मग ते काय स्टेम ब्रांचेस लीव्स ते सगळं प्लूम्यूलचे डेरिव्हेटिव्स, आणि रेडिकल पासून रूट डेव्हलप होतं। तर चला परत बोर्डवर येऊया। तर तुम्ही सपोज भविष्यात प्रगत शेतकरी झालात, प्रगत शेतकरी झाले, तुम्ही तुमच्या घराच्या बाहेर निघून तिथे शेतात गेले, शेतामध्ये तुम्ही मातीत सीड टाकलं, सीड मध्ये हा एम्ब्रियो आहे, एम्ब्रियो पासून हे कोण आहे, रॅडिकल निघालं, रॅडिकल पासून हे कोण निघालं, रूट वरती कोण आहे, प्लुम्युल, प्लुम्युल पासून कोण निघालं, शूट। सो ये प्लुम्युल के डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये किसका डेरिवेटिव है, रूट रेडिकल का डेरिवेटिव है। ओके, अब रेडिकल से डेवलप हुआ ये सॉइल है, रेडिकल से डेवलप होने वाला ये जो रूट है ये प्राइमरी रूट है, दिस इज द प्राइमरी रूट। इससे ब्रांच निकला ये सेकेंडरी रूट है, उससे ब्रांच निकला ये टर्शियरी रूट है। ये प्राइमरी है, प्राइमरी से ब्रांच निकला उसे सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी से ब्रांच निकला उसे टर्शियरी कहते हैं। अब इसमें एक चीज समझ लेना, ये जो प्राइमरी होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। ओके, और जिस प्लांट में एकदम कानाचे पर्दे उघडून लक्ष ठेवा की जिस प्लांट में या जिस रूट सिस्टीम में ये जो रूट है प्राइमरी रूट उससे सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसा रूट सिस्टम डेवलप होता है जो कि रेडिकल से आया है। मतलब जब रूट सिस्टम पूरा का पूरा रेडिकल से डेवलप होता है उसे कहते हैं टैप रूट सिस्टीम, उसे क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टीम। और ये टैप रूट सिस्टीम डायकॉटिलिडॉनस प्लांट में कॉमन होता है। डायकॉट, आता ज्या पोरांना डायकॉट मोनोकॉट माहित नाही त्यांच्यासाठी सांगतो की याच टॉपिक मध्ये शेवटी सीड आपण शिकू, त्यावेळेला डायकॉट मोनोकॉट जास्त सविस्तर होईल। इथं फक्त एवढं सांगून ठेवतो की सीड मध्ये फूड स्टोअर करण्यासाठी, सोप्या भाषेत बेसिक गोष्ट सांगतो, जर दोन कंपार्टमेंट असतील आणि त्याच्यामध्ये एम्ब्रियो असेल आणि या एम्ब्रियो पासून वरती प्लुम्युल आणि खाली रेडिकल डेव्हलप होतात, त्याच्या बाजूला आहे, इथं जर दोन चेंबर असतील, अगर सीड में फूड स्टोअर करने के लिए दो कंपार्टमेंट है, दोन अगर चेंबर है, दोन अगर जर तिथं कंपार्टमेंट असतील तर त्याला काय म्हणायचं, त्याला म्हणायचं डायकॉट सीड। जसं की वटाणा, चना, फुटाणा, हे जे काय हे डायकॉट्स आहे, शेंगदाणा हे डायकॉट्स आहेत, ओके, सनफ्लावर ये डायकॉट्स है। आगे आपको क्लासिफाई कर दूंगा मैं, अभी इसके लिए सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ये डायकॉट है। और जिस किसी प्लांट में फूड स्टोर करने के लिए, मतलब उसके सीड में सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है, दो कंपार्टमेंट नहीं है, तो उसे मोनोकॉट कहा जाता है। कंपार्टमेंट ला कॉटिलिडॉन मतलब जाता है पुराने, और कॉटिलिडॉन जो होता है वो अगर दो कॉटिलिडॉन रहे तो डाई इज फॉर टू, तो डाई कॉटिलिडॉन। अगर एक ही कॉटिलिडॉन एक ही कंपार्टमेंट रहा फूड रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो मोनोकॉटिलिडॉनस। तर मोनोकॉटिलिडॉनस आपलं व्हीट, गहू मोनोकॉटिलिडॉनस आहे। इथपर्यंत काही डाउट्स, इथपर्यंत काही डाउट्स? ओके, तो चलो भाई, नीचे कौन है, ये टैप रूट सिस्टम है, और टैप रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल से डेवलप हुए रूट्स होते हैं, और डायकॉटिलिडॉनस प्लांट में टैप रूट सिस्टम कॉमन होता है। टैप रूट सिस्टम्स जो है वो कॉमन है डायकॉट प्लांट में। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा मोनोकॉट प्लांट में, जैसे कि व्हीट का एग्जांपल लेते हैं, मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट में होता क्या है, जैसे कि व्हीट गहू, एनसीईआरटी में भी व्हीट का एग्जांपल दिया है, उसमें क्या होता है, ये जो प्राइमरी रूट आया था रेडिकल से, ये प्राइमरी रूट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये जल्दी ही क्या हो जाता है, जल्दी ही वो डिजनरेट होता है, और इस प्राइमरी रूट की जगह पर
मोनोकॉट प्लांट में जमीन के नीचे से बहुत सारे हेयर लाइक या फाइबरस रूट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फाइबर्स लाइक रूट जमीन के नीचे आते हैं, ये रूट सिस्टम खत्म होके, मतलब इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट दिस टैप रूट सिस्टम डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम एंड उसकी जगह पर ये फाइबरस रूट आ जाते हैं और इसे कहा जाता है, मतलब ये जो है ये फाइबरस रूट्स है और ये कहां पर होते हैं, ये वीट में पाए जाते हैं, तो वीट में फाइब्रस रूट्स होते हैं। ओके, मैं एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जा रहा हूं, मुझे यहां पर एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, वो क्या है। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप नहीं होता, किसी और हिस्से से, मतलब प्लूमिल से ही डिराइव होता है या प्लूमिल के किसी डेरिवेटिव से डिराइव होता है। जेव्हा ही प्लांट मध्ये रूट जे आहे ते रूट रेडिकल पासून न येता रेडिकल से डेवलप होने की बजाय प्ल्यूम्यूल या प्ल्यूम्यूल के किसी हिस्से से डेवलप होता है, वरचा जो पार्ट है याच्या कुठल्या एखाद्या पार्ट पासून जर रूट सिस्टीम येत असेल, रेडिकल पासून येत नसेल, तो उस रूट सिस्टीम को क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टीम। क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टीम। तो एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो रेडिकल से नहीं डेवलप होते, वो रेडिकल से नहीं डेवलप होते। ओके, तो देखो भाई यहां पर एक एग्जांपल है, ये जो है देखो यहां पर ये मेन रूट है जो रेडिकल से डेवलप हुआ, इसे प्राइमरी रूट कहा जाता है और इससे सेकेंडरी टर्शियरी अगर है तो दिस इज द टैप रूट सिस्टम जो डायकोटिलेडोनस प्लांट का फीचर है। और इधर जो ऐसे हेयर लाइक फाइबर लाइक रूट्स डेवलप हुए हैं, दिस इज द फीचर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस रूट्स और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स और इसे फाइबरस रूट कहा जाता है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी रूट जब भी किसी मतलब रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से डेवलप होता है, रेडिकल व्यतिरिक्त कशापासून तरी जेव्हा एखादं रूट डेव्हलप होतं त्यावेळेला त्याला म्हणायचं ऍडव्हान्टिशियस रूट। आणि मग त्या डेफिनेशन नुसार फायब्रस रूट्स पण कशाचेच टाईप झाले रे, ऍडव्हान्टिशियसचे झाले की नाही झाले, फायब्रस रूट्स हे पण ऍडव्हान्टिशियस रूट्सचेच टाईप झालेत। पण एनसीईआरटी मध्ये डिस्क्रिप्शन कसं दिलंय, तर टॅप रूट फायब्रस रूट आणि त्यांच्या नंतर त्यांनी ऍडव्हान्टिशियस रूट्स दिलंय। पण ऍक्च्युअली लक्षात ठेवा की हे जे फायब्रस रूट्स आहेत हे पण रॅडिकल व्यतिरिक्त दुसऱ्या पार्ट पासून डेव्हलप होतात, दॅट्स वाय फायब्रस रूट्स आर ऑल्सो द टाइप ऑफ ऍडव्हान्टिशियस रूट्स। ऍडव्हान्टिशियस रूट का ही टाइप है। ओके, तो चलो भाई मैंने अभी क्या कहा उसको समराइज करते हैं। हम क्लासिफाई कर रहे हैं रूट्स को। रूट्स में याद रखना कि अगर वो रेडिकल से आता है, इफ इट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल इट इज कॉल्ड एज टैप रूट। ओके, इफ इट इज नॉट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, अगर वो रेडिकल का हिस्सा नहीं है तो उसे कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल है, रूट के मॉडिफिकेशन के वक्त समझा दूंगा, अभी के लिए याद रखना कि हमें वीट में जो फाइबरस रूट मिलते हैं, वीट में जो है फाइबरस रूट्स मिलते हैं, वो फाइबरस रूट्स जैसे कि अभी हमने देखे, या फिर बनियान ट्री में आप सब ने वो देखा है ये जो पिलर्स है, पिलर्स देखो कहां पर है, पिलर्स बनियान ट्री मध्ये त्या मुळांना लटकून झोका खेळलेले नाहीये करे तुम्ही गावाकडे, काय खेळत असताना ते हे खेळत असताना सूर पारंब्या नावाचा एक खेळ आहे माहिती का तुम्हाला, सूर पारंब्या नावाचा एक खेळ असतो, ते खेळत असताना हा फार कॉमन प्रकार आहे ना, हे जे ऍक्च्युअली रूट आपल्याला जमिनीच्या खाली एक्सपेक्टेड असतात ना, जमिनीच्या खाली एक्सपेक्टेड असतात रूट्स, पण हे तर वरतून येत आहे पिलर सारखे, ते खांबां सारखे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पिलर्स कहा जाता है भाई रूट्स को, दीज आर दी पिलर्स। ये क्या है, पिलर्स है, इनका काम क्या है अभी आधे घंटे में समझा दूंगा, अभी सिर्फ बताना इतना है कि पिलर्स आ कहां से रहे, तो ब्रांचेस से नीचे आ रहे, मतलब ब्रांचेस से ओरिजिनेट हो रहे, और ब्रांच किसका पार्ट है, प्लूमिल का पार्ट है, क्योंकि वो जमीन के ऊपर है। तो जब भी कोई रूट किसी ऐसे हिस्से से डेवलप हो रहा है, ऐसे हिस्से से ओरिजिनेट हो रहा है जो रेडिकल से नहीं आया है, तो उसे एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो ये बनियान ट्री में मिलने वाले ये पिलर्स हो या फिर व्हीट में मिलने वाले गव्हामध्ये सापडणारे काय रे, आपल्याला जे फायब्रस रूट्स आहेत ते फायब्रस रूट्स असो, हे सगळेच काय आहेत, हे सगळेच ऍडव्हान्टिशियस रूट्सचेच टाईप आहेत, वो सारे के सारे ऍडव्हान्टिशियस रूट्स के ही
टाइप है यहाँ पर, ये देखो ये फाइबरस रूट, तो वीट में आपको ये मिल जाएगा। और ये टैप रूट सिस्टम है, ये डाइकॉट में कॉमन है, ये मोनोकॉट में कॉमन है, ये रेडिकल से डेवलप होता है, ये रेडिकल से नहीं डेवलप होता है। ओके, अब तक कुछ दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। अब एक बार फंक्शन कंप्लीट कर लेते कि क्या फंक्शंस हो सकते हैं रूट सिस्टम के। रूट सिस्टम के फंक्शंस में देखो, ये रूट्स जमीन के नीचे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो पानी की तलाश में ग्रो करते हैं। रूट्स जो है वो पानी की तलाश में ग्रो करते हैं, तो दे विल एब्जॉर्ब वाटर, दे विल एब्जॉर्ब वाटर। लेकिन जमीन में जो पानी होता है वो पानी सिर्फ और सिर्फ प्योर, या फिर मिट्टी का पानी प्योर पानी नहीं होता, जमीन के अंदर मिलने वाला पानी प्योर पानी नहीं होता है, उसमें मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। तो ये रूट्स पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी उठा लेते हैं। तो हम पहला पॉइंट क्या है कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। मैं मेन फंक्शन बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस होते हैं। दूसरा काम, रूट जो होते हैं, रूट जमीन में है इसलिए ऊपर की प्लांट बॉडी खड़ी है। ओके, ऊपर की जितने भी पार्ट्स है, वो स्टेम हो, लीव्स हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, वो ऐसे इरेक्ट पोजीशन में खड़े हैं हवा में, बिकॉज रूट्स अंदर है, रूट जमीन में गड़े हैं, तो इसलिए दे प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज, प्रॉपर एंकरेज टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के बाकी हिस्सों को प्रॉपर एंकरेज देता है। साथ में दे प्रोड्यूस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जसं तुमच्या बॉडी मध्ये काही हॉर्मोन सिक्रेट होतात, ग्रोथ हॉर्मोन असतो, इन्सुलिन असतो, ACTH असतो, सोमॅटोस्टॅटिन असतो, ग्लुकॅगॉन असतो, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वैसे ही कुछ केमिकल्स प्लांट्स के बॉडी में भी सीक्रेट होते हैं उनके फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए। और उन केमिकल्स में से, उन केमिकल्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है, क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो उन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में से कुछ जो केमिकल्स हैं उनको रूट सीक्रेट करते हैं। तो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, प्रॉपर एंकरेज टू अदर पार्ट्स को प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करता है। देन तीसरा क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। त्याच्यानंतर आता मी रूट चे मॉडिफिकेशन शिकवत असताना हम लोग कॅरेट पडेंगे, रेडिश म्हणजे मुळा आपण शिकू, त्याच्यानंतर टर्निप जे आहे, तर ते टर्निप म्हणजे आपला काय म्हणतात त्याला, बीट, बीटच्याच टाईपचं एक रूट आहे, म्हणजे जसं बीट असतं त्याच्याच मॅच होणारा टर्निप असतं। ओके, काही जण बीट आणि टर्निप सेम करतात, पण तिथे थोडेसे डिफरन्सेस आहेत। ओके, तो ये जो टर्निप होता है, ये जो कॅरेट होता है, रॅडिश होता है, ये क्या है, ये रूट्स है, और वो फुले हुए क्यों है, या फिर स्वीट पोटैटो, रताळ जे म्हणतो आपण, ये फुले हुए क्यों है, क्योंकि इनमें फूड स्टोर्ड है। तो कुछ प्लांट्स में रूट्स हेल्प टू स्टोर द फूड। ओके, पेज टर्न करने के बाद जहां पर टिपिकल प्लांट का डायग्राम है उस पेज पे, मतलब मॉर्फोलॉजी स्टार्ट होने के बाद, दूसरा जो मतलब पेज टर्न करने के बाद जहां पर टिपिकल प्लांट का डायग्राम है उसके साइड में जो पैराग्राफ है, लास्ट के 3-4 लाइन पढ़ लो। ये पॉइंट्स मिल गए आप लोगों को, मिल गए तो हाईलाइट कर दो, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, प्रॉपर एंकरेज, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये लास्ट पॉइंट है उनका, और स्टोर दी फूड, फूड स्टोरेज कर रहा है। मिल गए होंगे तो क्या करो, मिल गए होंगे तो हाईलाइट कर दो उन पॉइंट्स को, इस पर काफी कंफ्यूज हो जाते हो आप क्वेश्चंस आने के बाद। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रूट, या फिर एक टिपिकल रूट में कौन से रीजन्स आते हैं, कौन से जोन्स आते हैं। तो टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर देखो भाई, ये बता रहा था मैं कि ये जो है, ये रूट्स ऐसे फूले हुए क्यों है, क्योंकि ये इनमें फूड स्टोर्ड है। ओके, तो ये सारे टैप रूट सिस्टम में आते हैं, और ये जो है ये फाइबरस रूट का एग्जांपल है। यहाँ पर ये जो फाइबर्स नीचे दिख रहे, दीज आर दी फाइबरस रूट्स। मैं क्या बता रहा था, तो मैं आपको बता रहा था स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रूट, एक टिपिकल रूट। ये डायग्राम मिल गया एनसीईआरटी में, मिलना ही चाहिए, इसको जूम होना पड़ेगा। ओके,
दिस इज द डायग्राम, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डायग्राम पर ही पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा लिख लेना है। ओके, तो ये टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर है भाई लोगों। इसमें कितने रीजन्स मिलते हैं? तो तीन रीजन्स मिलते हैं। सबसे ऊपर इसे रीजन ऑफ मैच्यूरेशन या इसे जोन ऑफ मैच्यूरेशन भी कहा जाता है, उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन है, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ओके, तो ये जो रूट का अपेक्स आपको दिख रहा है उसके आगे ना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे रूट कैप कहा जाता है। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट कैप। क्या काम करता है ये रूट कैप? तो रूट कैप इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। रूट कैप क्या है? एक थिम्बल जैसा स्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी शुरुआत है वहां पे डिस्क्रिप्शन को। तो मैं थिम्बल का मतलब एक बार समझाना चाहता हूं आप लोगों को। उस वर्ड को समझने के बाद आपको रूट कैप का फंक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया है हैंग शायद। चलो इसको 2 मिनट के लिए थिम्बल मंजे का है। तो थिम्बल मंजे एक आपन जे कपड़े शिवतात लोग, ओके, जो दर्जी का काम करते हैं, हाँ टेलर्स जो काम करते हैं, उनके हाथ में ना सामने से मेटल का एक कैप लगा रहता है। वो नीडल वहां पे चुभ न जाए इसलिए, ती जी सुई असते कपडे शिवत असताना ती त्यांच्या बोटामध्ये जाऊ नये याच्यासाठी तिथे एक मेटलची कॅप बनलेलं स्ट्रक्चर असतं। इथं ते हँग झालंय, नाहीतर मी ते दाखवले असतं तुम्हाला आता, नंतर दाखवतो थोड्या वेळानं। तर वो जो मेटल का कॅप होता है वो यहाँ पर लगाने के बाद जैसे आपकी उंगली को इंजुरी नहीं होती है, वैसे ही एग्जैक्टली वही फंक्शन किसका है? एग्जैक्टली वही फंक्शन रूट में रूट कैप का है। ये देखो भाई, ये रूट है, ओके, ये रूट है, और इस रूट में सामने से यहाँ पे ऐसे ये अपेक्स है रूट का, यहाँ पर ये कौन लगा हुआ है? रूट कैप लगा हुआ है। ये रूट कैप किसके जैसा है? थिम्बल जैसा है। ये भूलने का मतलब, जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो इसका मतलब भूल जाएंगे, वो लिख लो वहां पे कि इट इज लाइक अ मेटल कैप। वो मेटल कैप जैसा है, जैसे मेटल कैप उन टेलर्स में उंगली को कवर करते हैं और उंगली को इंजरी से बचाते हैं, वैसे ये मिट्टी में जाने वाले इस रूट को आसपास के मिट्टी के पार्टिकल से मिट्टी के पार्टिकल से होने वाले फ्रिक्शन से बचाता है। मतलब इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन दिस टेंडर रूट अपेक्स। तिथे शब्द वापरलेला आहे, इट प्रोटेक्ट्स टेंडर। टेंडर म्हणजे कोवळा। टेंडर रूट अपेक्स अपन टेंडर कोकोनट बोलते हैं। टेंडर कोकोनट मतलब वो हरा नारियल जिसमें से पानी पिया जाता है, ओके, और जो हम सूखा नारियल लेते हैं वो मैच्योर्ड है, ओके, वो ड्राई है कोकोनट। लेकिन जो टेंडर कोकोनट, टेंडर मुझे ओलर नारियल, कच्चा नारियल, तो सही तो टेंडर मतलब ये बहुत इनमैच्योर डेलिकेट है। कोवळं हे जे रूट अपेक्स आहे याला मातीसोबत फ्रिक्शन झालं तर डॅमेज होऊ शकतो, म्हणून इथं रूट कॅप असते। तो ये रूट कॅप थिंबल जैसा, इट प्रोटेक्ट द टेंडर रूट अपेक्स। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो एनसीईआरटी में नहीं है वो पॉइंट आपको लिख लेना है। क्या है पॉइंट? कि इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये पॉइंट लिख लो, इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स हेल्प्स इन ग्रेवी परसेप्शन। तो ये मिट्टी की तरफ या ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने के लिए ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स हेल्प करते हैं। मतलब दीज स्टार्च ग्रेन्यूल्स हेल्प्स इन द ग्रेविटी परसेप्शन। ग्रेविटी परसेप्शन म्हणजे काय? तर अपन म्हणतो है ना कि रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तो मतलब क्या उस चीज का? तो वो जमीन की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो उनको जमीन किधर है ये परस्यू करने के लिए ये कौन मदद कर रहे हैं? ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स मदद कर रहे हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स किसके अंदर है? रूट कैप के अंदर है। रूट कैप क्या है? थिम्बल जैसा स्ट्रक्चर है। थिम्बल क्या है? मेटल की एक कैप होती है जो आपकी उंगली के सामने लगाई जाती है अगर आप टेलर है तो, ताकि आपको वो चुभ ना जाए नीडल। देन प्रोटेक्ट दी टेंडर रूट अपेक्स। अब इसके आसपास ना ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूसिलेज का एक कोटिंग भी सीक्रेट होता है। म्यूसिलेजिनस कोटिंग सीक्रेट होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। अब इसके बाद ये रूट का स्ट्रक्चर अगर देखो तो इसमें तीन रीजन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो रीजन है देखो, एम
ई और तीसरा है एम, एम ई एम। एम इज द रीजन और जोन ऑफ मैच्यूरेशन, ई इज जोन ऑफ इलांगेशन एंड तीसरा है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किंवा मेरिस्टेमेटिक सेल्स त्या असतात ज्या प्लांट्स मध्ये कंटिन्युअसली डिवाइड होत असतात। ओके, कंटिन्युअसली डिवाइड होने वाले सेल्स प्लांट क्यों ग्रो कर सकते हैं, या फिर प्लांट में कोई हिस्सा आप काट दो, जैसे कि प्लांट का कोई ब्रांच काट दो, वो नए से बनता है। कौन बना रहा है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना रहे हैं। तो आप में आपका हाथ कट गया तो वहां से नया हाथ नहीं आएगा, या उस कटे हुए हाथ को आप नए से नहीं आएंगे, ना हाताला तुम्ही उगवसाल ना तुम्हाला हात उगवेल, कारण आपल्यामध्ये मेरिस्टेमॅटिक सेल्स नाही। या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स काय असतात, फार महत्त्वाचा विषय आहे। सर, रूट कॅप थोडा ऑइली टाइप होता है क्या? यस, क्योंकि उसमें ये म्यूसिलेज है। ओके, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, यस। फक्त आता टॉपिक तो सुरू झाल्यानंतर अनिल तुला किती आठवतं ते बघू आपण। आता या टॉपिकवर फोकस कर। मशीन काम, थिम्बल, ट्रेलर्स, यूज वियर। ओके, डाउट है क्या भाई? कुछ डाउट है? आयुष, विद्यानंद, मयूरी, मोहसिन, अमेजॉन इंडिया ऑफिशियल, अभिजीत, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? देखो, हम देखते देखते अब सिर्फ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बचा है। बोर झाले करे? बोर झाले? कंटाळा आलाय का? कौन डोकं दुखतंय का? असं कॉन्सन्ट्रेट झाल्यासारखं, जास्तच इन्फॉर्मेशन आल्यासारखी वाटते का? अनिरुद्ध, बोर झालाय का? नाही ना? तसं झाले तरी काय नाही होत, म्हणजे काय करता नाही येणार आहे। आता 6 महिने स्वतःच्या इमोशन्सची पण कदर करू नका, लक्षात ठेवा। 6 महिने तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला काय फील होतं, काहीच कदर नाही करायची। तो शेड्यूल बस एकदम असं काय म्हणतात त्याला, निश्चल योग्यासारखं काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया याच्यापासून विरक्त होऊन एकाग्रतेनं, प्रचंड असं स्तब्धतेनं अभ्यास करायचा आहे तुम्हाला। ओके, प्रतीक्षा, काय डिलीट केलंस तू? तर यस, तो वो पूछ रहा है कि म्यूसिलेज क्यों है। तो ये ल्युब्रिकेट करने के लिए, ताकि म्हणजे आता जसं ऑइल जर असेल तर ते तो ऑइली किंवा असं सॉफ्ट काहीतरी लावलं त्याच्यावरती, तर आजूबाजूला जी माती आहे त्याच्यासोबत फ्रिक्शन कमी होईल ना, तर त्याच्यासाठी ते म्युसिलेज असतं। तो 3 रिजन है भाई, यहाँ पर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद जोन ऑफ इलांगेशन है, उसके बाद जोन ऑफ मैच्यूरेशन है। ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होता है, हम रूट बड़ा ड्रॉ कर लेंगे एक बार, और उसमें रूट कैप नहीं निकालूंगा, रूट कैप का हो गया है काम। तो ये 3 जो जोन थे, आता तुम्हें रिकॉल करा ताला, क्या कहा मैंने? एमई एम मेम। तो ये जोन ऑफ मैच्यूरेशन है, ये जोन ऑफ इलोंगेशन है, और ये जोन ऑफ, या फिर रीजन लिखा है एनसीईआरटी में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। यहाँ पर जो सेल है भाइयों, उनको क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। और ये सेल कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड ही होते रहते हैं। याद रखना, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं उनमें एक छोटा सा पॉइंट है, हाईलाइट कर देना, वहां पर लिखा भी है और आप उसे भूल जाते हो, और आपको वो मतलब आज ही पेपर में इस पर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आज का जो डेली पेपर है उसमें आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाने वाली ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इनका सेल वॉल कैसा होता है? तो थिन होता है, इनका सेल वॉल थिन होता है, उनके अंदर डेंस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड थिक प्रोटोप्लाज्म अस्तर। ओके, मतलब ये सेल जो है इनका सेल वॉल थिन होता है। क्यों थिन होता है? क्योंकि उनको डिवाइड होना है, तो ठीक अगर रहा ये बाहर का कवरिंग तो डिवाइड डिवीजन में डिफिकल्टी होगी, वो स्लो हो जाएगा, तो इसलिए थिन सेल वॉल होता है। और उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे, वो प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा डेंस है, काफी ज्यादा थिक है, क्योंकि उनमें रिजर्व फूड होता है। तो अंदर डेंस थिक प्रोटोप्लाज्म है और बाहर थिन सेल वॉल है, याद रखना ये पॉइंट। उसके बाद ये सेल क्या करते, कंटिन्यूअसली नए सेल बनाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वो डिवाइड होके नए सेल बनाते हैं। अब ये जो नए सेल का बैच आया है, वो बैच क्या होगा?
धीरे धीरे इलोंगेट होगा, तो इसके पीछे वाला जो रीजन है वहां पर नए बने सेल का इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, और इसलिए सेल यहां पर ग्रो कर रहे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इलोंगेशन कहा जाता है। इससे पहले जो सेल इलोंगेट हो चुके हैं, जिनका ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है, वो सेल हिस्सा बन चुके हैं किसका, जोन ऑफ मैच्यूरेशन का। तो यहां पे ये जो सेल है ये जोन ऑफ मैच्यूरेशन के सेल है जिनकी ग्रोथ डिफरेंशिएशन और मैच्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब यहां पे सेल नए बनते हैं, नए बने सेल जिस रीजन में मैच्योर ग्रो हो रहे हैं उसे जोन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है, और जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिनका ग्रोथ, इसे जोन ऑफ क्या कहा जाता है, मैच्यूरेशन, ये जोन ऑफ इलोंगेशन। अब होता क्या है, ये सेल मैच्योर हो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, और नए सेल बनेंगे और वो इलोंगेशन जो है वो आगे आ जाएगा, ये जोन ऑफ इलोंगेशन यहाँ पे रहेगा क्योंकि नए सेल बन रहे हैं, उसके बाद उसके पीछे ये मैच्योर हो गए कि यहां तक जोन ऑफ मैच्यूरेशन एक्सटेंड कर जाएगा। पॉइंट इज दैट के अब ये जोन ऑफ मैच्यूरेशन है, ये सेल मैच्यूरेट हो गए तो यहां से यहां तक जोन ऑफ मैच्यूरेशन हो जाएगा और इसके आगे जोन ऑफ इलोंगेशन होगा और मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो आगे पुश किए जाएंगे, उनसे नए सेल बन रहे होंगे। तो इस तरह से रूट ग्रो करता है। लास्ट पॉइंट स्ट्रक्चर में, ये जो जोन ऑफ मैच्यूरेशन के पेरिफेरल सेल्स है ना, इनमें आपको दिखते हैं ऐसे रूट हेयर्स। कौन दिखते हैं? रूट हेयर्स दिखते हैं। तो जोन ऑफ मैच्यूरेशन में आपको रूट हेयर्स दिखते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं? तो रूट हेयर्स जमीन से पानी एब्जॉर्ब करने के लिए इस इपिडर्मिस से निकले हुए, मतलब इस जोन ऑफ मैच्यूरेशन से निकले हुए सेल्स होते हैं। एक बार इसको ना ऑफ करके ऑन करने की कोशिश करता हूं, अगर वो शुरू नहीं हुआ तो। यस, इट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, तो इसे एक बार ऑफ करके ऑफ ऑन करेंगे। तो पर्यंत पॉइंट्स रिकॉल करा, पॉइंट्स रिकॉल करा। आपण कुठला टॉपिक सुरू केला आहे? तर आपण टॉपिक सुरू केला आहे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। त्याच्यामध्ये प्लांटचं काय बघायचं, आपल्याला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बघायचं आहे। जरी प्लांट्स मध्ये, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये खूप सारी डायव्हर्सिटी असेल, तरीही ते जे प्लांट्स असतात त्यांच्यामध्ये रूट, स्टेम, लीव्स अशा बेसिक गोष्टी या असतातच, अशा बेसिक गोष्टी असतातच। ओके, यस, चलो। तो बेसिक गोष्टी असतातच। तिचं रूट हा जो पार्ट आहे तो कशापासून डेव्हलप झालेला असतो, रॅडिकल पासून। रॅडिकल पासून आलेल्या रूटला काय म्हणतात, टॅप रूट। मोनोकॉट्स मध्ये टॅप रूट टिकत नाही, मग त्याच्यामुळे तिथं काय बनतं, म्हणजे ते टॅप रूट डिजनरेट होऊन त्याच्यापासून काय बनतं तिथं, तर तिथं फायब्रस रूट्स येतात। ओके, मोनोकॉट्स मध्ये, जसं की व्हीटचं एक्झाम्पल आहे। देन उसके बाद, चलो भाई आ गए। देखो, अगर रूट रॅडिकल के अलावा किसी हिस्से से डेव्हलप हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि बनियान ट्री में हमने जो पिलर्स देखे, या फिर दूसरा मैंने वहां पर एक एग्जांपल मॉन्स्टेरा का भी है, तो वो आगे हो जाएंगी कवर चीजें आपकी। चलो, उसके बाद रूट के स्ट्रक्चर में कितने रीजन्स है, तीन रीजन्स है। कौन से? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे है जोन ऑफ मैच्यूरेशन। और जोन ऑफ मैच्यूरेशन में हमें कौन मिलते हैं, हमें मिलते हैं रूट हेयर। इसी के लिए हमने, वो रूट हेयर देखने के लिए हमने क्या किया है, इसको रिस्टार्ट किया है। ये देखो भाइयों, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दीज आर दी रूट हेयर्स। ये क्या है, रूट हेयर है। ये कौन सा रीजन है, मैच्यूरेशन का, उसके आगे इलोंगेशन, और उसके आगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और ये कौन है, रूट कैप है। ये रूट हेयर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब रूट से। इससे होगा क्या, इससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो प्रॉपर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं। दिक्कत सर, रिपीटर्स के डीपीपी और टेस्ट ऑयल को? ओके, मिल सकते हैं प्रीति, आज से ही मिल जाएंगे सर। कॉन्फिडेंस लो होता है, 6 मंथ्स मध्ये खूप लवकर जाणार असं वाटत आहे। हा एक महत्वाचा विषय आहे, एमपी जो कोई भी है कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, 6 महीने ऐसा लग रहा है कि तुरंत चले जाएंगे। एमपी भाई आप मेहनत करो। ओके आर्शान, लाइफ स्पैन, ओके, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग इज डिपोजिशन, डिपॉजिटेड इन द, यस रमन, एवरी डिपॉजिटेड, मतलब हर चीज फाइनली मैच्योर जोन में आ रही है, मतलब ये मैच्योर जोन धीरे धीरे ग्रो करेगा और ये आगे चलता, आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ग्रोथ होगी। अब तिथे एका जणाचा मैसेज आहे की कॉन्फिडन्स लो होतोय, लक्षात ठेवा की 6 महिन्याचाच वेळ आहे। तुम्ही जर एक नोट केलं दरवर्षीचा पॅटर्न, जून मध्ये रिझल्ट लागायचा, जुलै मध्ये काही मुलं यायचे, काही मुलं ऑगस्ट मध्ये किंवा सप्टेंबर मध्ये यायचे राऊंड अटेंड करून, आणि तिथून मे मध्ये एक्झाम असायची,
म्हणजे तसंही तुम्हाला रिपीटला दरवर्षी 9 ते 9.5 महिन्याचा वेळ मिळतो, 9 साडे 9 महिन्याचा किंवा 10 महिन्याचा, फार झालं 10 महिने खूप झाले, 10 महिन्याच्या जागी ते 6 महिन्यावर, म्हणजे ऍक्च्युली 7 महिन्यांवर येते, 10 महिन्यांच्या जागी मी 6 महिने का म्हणतोय, 6 महिन्यात आपण सिलेबस संपवणार आहे, पुढल्या 1 महिना आपलं फक्त टेस्ट सिरीज चालेल, पीसीबीची असेल ती टेस्ट सिरीज, लक्षात ठेवा 720 मार्कांची टेस्ट सिरीज असेल तुम्हाला आपल्याकडे, याच्यात आपण कंडक्ट करतोच ती तशी, तर टाइम मॅनेजमेंटसाठी शेवटी पीसीबीची टेस्ट सिरीज असते आपल्याकडं, ती तुम्हाला याच्यातच असेल, वेगळी नसेल ती, तर मी हे म्हणतोय की मी 6 महिने सिलेबस कम्प्लीट करतो, पण तुमच्याकडे वेळ 7 महिने आणि तसा किती असायचा, 10 महिने असायचा, म्हणजे 3 महिन्याचा फरक पडलाय, ऍक्च्युली फार मोठा फरक नाहीये, घाबरून जाऊ नका, आणि त्याच्यामध्ये पण मुळात हे तुमच्यासोबतच होतंय का नाही, हे सगळ्यांसोबत होते, जेही रिपीट करतायत त्यांना सगळ्यांना एवढाच वेळ मिळालेला आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांवर जो परिणाम तुमच्यावर झालाय तो त्यांच्यावरही होणार आहे, आपल्या एकट्यासोबत आता हेच जर सपोज, हा असं होऊ नये पण सपोज तुमच्यापैकी कोणी पण रिपीटचं डिसिजन घेतलं आणि घेतल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात त्याचा ऍक्सिडेंट झाला आणि 2-2.5 महिने तो किंवा 2 महिने तो ऍडमिट राहिला, तर मग काय त्यानं परत कमबॅक करू नये, त्यानं त्या 2 महिन्यामुळे पूर्ण वर्ष जे आहे ते वाया घालावं, या ट्रॅजेडीज कोणासोबत पण होऊ शकतात ना, ऍक्सिडेंट झाला, ऍडमिट झाला कशामुळं, या ट्रॅजेडीज कोणासोबत पण होऊ शकतात, इथं ऍटलिस्ट एवढं आहे की जे होते ते सगळ्यांसोबत होत आहे, म्हणजे जो वेळ मिळतोय तो सगळ्यांना तेवढाच मिळतोय, आपण एकटे म्हणजे एकट्याला एकट्यासोबत पण दरवर्षी अशा काही घटना घडतात कोणाकोणासोबत की आजारी पडलाय, त्याच्यात 2 महिने गेले, 3 महिने गेले, मग तरी पण तसे मुलं भरपूर एक्झाम्पल आहेत की जे रिकव्हर करतात. मी तुम्हाला म्हटलं ना, तुम्ही जर प्रॉब्लेम शोधत बसले तर तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसतील, आणि तुम्ही जर सोल्युशन शोधणारा तुमचा ऍटिट्यूड असेल तर प्रत्येक गोष्टीत सोल्युशन, उलट एक प्रकारे पाहिलं तर 7 महिन्यात खूप अभ्यास करायचा मोकळे संपला विषय. मागच्या वर्षी आता काही मुलांचा असा ऍटिट्यूड झाला होता की लॉकडाऊनचा जो काळ होता मधला, सर त्याच्यात अभ्यास होत नाहीये, काही मुलांचं तसं होतं, म्हणजे तुम्ही वेळ मिळाला तरीही रडणारे काही लोक असतात आणि वेळ नाही मिळाला तरी रडणारे असतात, तर तो जो रडका ऍटिट्यूड आहे ना तो नसायला पाहिजे, म्हणजे रडका ऍटिट्यूड नसेल ना तर माणसाला सोल्युशन्स दिसतात, आणि ऍटिट्यूड जर रडका असेल तर कितीही चांगल्या वर्स्ट सिच्युएशन मध्ये, समजा ऍटिट्यूड जर रडका नसेल ना किती वर्स्ट सिच्युएशन मध्ये तुम्ही त्याच्यातून सोल्युशन काढतात, आणि तशी रडरड असेल तर रूट है भाई, रूट कैप है, उसके बाद रीजन ऑफ इलॉन्गेशन मैच्यूरेशन है, जिससे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, जो सेल्स नए बना रहे, नए बने सेल इस रीजन में इलॉन्गेट हो रहे, और जिनका इलॉन्गेशन कंप्लीट हो चुका है, जो बैच मैच्योर हो चुकी है, वो यहाँ पे मैच्यूरेशन जोन से रूट हेयर निकलते, रूट हेयर का काम है वाटर एब्जॉर्प्शन. ओके, तो चलो चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. ओके, अब हमें पढ़ने हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. रूट में क्या मॉडिफिकेशंस आए, अब मॉडिफिकेशन हम हर पार्ट में पढ़ेंगे, और मैं जो कह रहा था कि एनसीईआरटी में बहुत कम चीजें दी है, आपके सामने एनसीईआरटी है, देख लेना, मॉडिफिकेशन का इतना सा चार्ट है, इतना सा एक पैराग्राफ है मॉडिफिकेशन का, जिस पर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होते, इनफैक्ट काफी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी उतने इन्फॉर्मेशन पे सॉल्व नहीं होते, तो इसमें काफी कुछ चीजें जो हम आउट ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आउट ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, लिखने में कंफ्यूज मतलब लिखने की दिक्कत ये मत करो, ट्राई मत करो लिखने का, क्योंकि उसमें आपका ध्यान इधर से वो लिखने में चला जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मैं ये बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो इस टॉपिक में हमें रूट के बाद स्टेम पढ़ना है, स्टेम के बाद लीव्स पढ़ने हैं, तो हम जब स्टेम पढ़ेंगे या लीफ पढ़ेंगे तो नॉर्मली रूट का काम क्या है भाई, जमीन से पानी एब्जॉर्ब करना या फिर मिट्टी में धसे रहना ताकि ऊपर की प्लांट बॉडी खड़ी रहे, ऐसे बेसिक जो हमने फंक्शन देखे वैसे है. इसके अलावा रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, कुछ रूट्स मॉडिफाइड है कि जो क्लाइंबिंग के लिए बने हैं, कुछ रूट्स जो है जैसे कि वो अभी बनियान ट्री का जो देखा हमने वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशंस है वो क्यों है, वो इसलिए है कि वहां पर जो मेन फंक्शंस या जो बेसिक फंक्शंस है रूट के, उसके अलावा कुछ काम करने हैं, तो मेन या बेसिक फंक्शन के अलावा काम करने के लिए रूट में, स्टेम में और लीफ में, हर जगह, लीफ का बेसिक काम क्या है, फोटोसिंथेसिस है, लेकिन उसके अलावा कुछ काम करना होता है, जैसे कि प्रोटेक्शन करना है तो वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लीफ. ओके, तो ऐसे अलग अलग मॉडिफिकेशन हम अब पढ़ेंगे, जिसमें काफी सारा कॉन्टेंट एनसीईआरटी के बाहर का है, तो अगले 10-15 मिनट ठीक से ध्यान दो. तो मॉडिफिकेशंस में मैंने मॉडिफिकेशंस दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं. पहले
हम टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशंस देखेंगे, टैप रूट सिस्टम के। टैप रूट सिस्टम यानी कि क्या है? टैप रूट सिस्टम यानी वो कि जो रेडिकल से डेवलप हुआ है। इस टैप रूट सिस्टम में तीन टाइप के मॉडिफिकेशंस हमें मिलते हैं। ओके, पहला है फ्लेशी रूट। पहला क्या है? फ्लेशी रूट। ओके, ये फ्लेशी वर्ड जहां पे भी आ जाए तो आपके जहन में एक चीज जनरेट हो जानी चाहिए कि वो सोलन है, वो बड़ा हुआ है, वो स्वेलप हुआ है। ओके, जो भी चीज सोलन होती है उसको फ्लेशी कहा जाता है। तो फ्लेशी रूट्स जो होते हैं, ये फ्लेशी रूट्स सोलन रूट्स होते हैं, एनलार्ज रूट होते हैं। किस चीज के लिए एनलार्ज है? फॉर दी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर करने के लिए, या यू कहो कि फूड स्टोर कर करके वो एनलार्ज हुए हैं। आगे बढ़े। अब इस फ्लेशी रूट में तीन सब डिवीजन है। किस पर बेस्ड है ये तीन सब डिवीजन? तो ये उसकी शेप पर बेस्ड है, जैसे कि कोनिकल फ्लेशी रूट, कोनिकल, उसके बाद नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म एंड फ्यूजी फॉर्म। कोनिकल फ्लेशी रूट, नैपी फॉर्म फ्लेशी रूट एंड फ्यूजी फॉर्म फ्लेशी रूट। ओके, कोनिकल यानी कोन शेप, तो जो रूट जमीन के नीचे ऐसा कोन जैसा होता है, ओके, ऐसा टैपरिंग जस्त, उसे कोनिकल कहा जाता है। एग्जाम्पल इज डाउकस, डाउकस कैरोटा, डाउकस कैरोटा। कौन है डाउकस कैरोटा? गाजर, कैरेट, कैरेट इज अ डाउकस कैरोटा। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि आपको ये साइंटिफिक नाम भी, इसके जो बायोलॉजिकल नाम है वो भी याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बायोलॉजिकल नाम से आता है। तो डाउकस कैरोटा या कैरेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोनिकल फ्लेशी लीफ। फ्लेशी क्यों? क्योंकि वो स्वेलप है, क्योंकि वो बड़ा है, बड़ा हुआ है। और कोनिकल क्यों? क्योंकि उसका शेप कोन जैसा है, कोन जैसा है। मैं डायग्राम देखो दिखाऊंगा आपको, उसमें और क्लियर हो जाएगा। नैपी फॉर्म, जब रूट ऑलमोस्ट स्पेरिकल हो जाता है नीचे आने के बाद, ऐसा फुगला जातो, तर उसे नैपी फॉर्म कहा जाता है। एग्जाम्पल इज ब्रासिका रापा। ये ब्रासिका रापा का मतलब होता है टर्निप, ब्रासिका रापा यानी टर्निप। और तीसरा है फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म म्हणजे तुमचा मुळारे। ओके, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है? रेडिश, या जिसका नाम है रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस। तो ये रेफेनस सटाइवस या फ्यूजी फॉर्म जो है, इसका ना ऊपर का एंड भी छोटा है, नीचे का एंड भी छोटा है, लेकिन बीच में ये स्वेलप है, बीच में ये एनलार्ज है। तो जब रूट का अपर एंड लोअर एंड नैरो होते हैं और बीच में एनलार्ज होता है, तो उसे फ्यूजी फॉर्म रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल रेडिश या रेफेनस सटाइवस यानी का है मुळा। दूसरा नैपी फॉर्म म्हणजे रूट जे ते इथं एनलार्ज झालेले आहे, जसे की ब्रासिका रापा म्हणजे टर्निप, और कोनी फॉर्म कोनिकल मतलब वो कोन शेप ग्रो हुए हैं, जैसे कि डॉकस कैरोटा यानी कि कैरेट। इमेजेस देख लेते हैं। देखो भाई, ये कौन है? कैरेट है। तो ये ऐसे कोन जैसे ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है? कोन जैसा। तो ये क्या हुआ? कोनिकल टैप रूट हुआ, कोनिकल टैप रूट, और वो फ्लेशी है क्योंकि वो एनलार्ज है। दिस इज द नैपी फॉर्म, टर्निप इसका एग्जाम्पल है, नैपी फॉर्म। और रहा सवाल किसका? रेडिश का। तो रेडिश को अगर आप ध्यान से देखो तो उसका ये एंड छोटा है, इधर ये एंड भी छोटा है, लेकिन बीच में वो एनलार्ज है, बीच में एनलार्ज है। तो इसे कहा जाता है फ्यूजी फॉर्म। इसे क्या कहा जाता है? फ्यूजी फॉर्म। कुछ लोग कहेंगे, मैं जानता हूं कि सर ये एंड तो हमें इसके जैसा ही दिख रहा है, ओके, आप कैसे कह रहे हो? तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कभी कभी कहा जाता है कि इस शेप जैसा दिखता है, उस शेप जैसा दिखता है, तो अगर बुक कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है, तो कह रहा है। मतलब उन्होंने अगर कहा कि भाई इसका कलर ब्लैक है, अगर लिखी है लाइन एनसीईआरटी में, तो वो ब्लैक ही है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं। ओके, तो मतलब कुछ लोगों का कहना होगा कि सर ये ऑलमोस्ट तो सेम ही तो है, इसके जैसा कहा नैरो है। तो भाई वो एक्चुअली इधर नैरो है, लेकिन जिनको नहीं फील हो रहा है, जिनको लग रहा है कि नहीं वो सेम है, तो भी उनको याद रखना है कि ये एनसीईआरटी की लाइन है।
ओके आणि एनसीईआरटी जे दिलेलं असतं तेच त्रिकाल बाधित शाश्वत सत्य असतं. ओके तो एनसीईआरटी में है तो ये क्या है, फ्यूजीफॉर्म है, फ्यूजीफॉर्म है. देन ओके हाँ यस भाई ने बोला ना बापू दिखता है तो दिखता है, यस मुन्ना भाई एमबीबीएस. देन चलो भाई आगे बढ़ते हैं. इज देयर एनी डाउट स्टिल हियर, ये क्या है, नेपी फॉर्म है, दूसरा सॉरी फ्यूजी फॉर्म है. वो टर्निप क्या था, नेपी फॉर्म था. और वो गाजर जिस वो जिसको क्या कहा जाता है, डॉकस कैरोटा, और डॉकस कैरोटा कैसा था, वो था कोनिकल. तो ये हो गया पहला मॉडिफिकेशन भाई. दूसरा मॉडिफिकेशन जो है वो है न्यूमेटोफोर्स. इंटरेस्टिंग है, कभी भूलते नहीं आप, अगर पहली बार ही ध्यान से सुना तो कभी नहीं भूलते, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है ये. जो न्यूमेटोफोर्स है ना भाइयों और बहनों, तो ये न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमा ये वर्ड जो है वो एयर से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है. और हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं कि नॉर्मली रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, ओके मतलब मिट्टी की तरफ, और निगेटिवली एरोट्रॉपिक होते हैं. उसको एक्सेप्शन है ये भाई साहब, उसको एक्सेप्शन है. क्यों? क्योंकि ये न्यूमेटोफोर्स जो है वो पॉजिटिवली एरोट्रॉपिक होते हैं भाई, एरोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली हवा की तरफ ग्रो करते हैं, यानी वो जमीन से ऊपर ग्रो करते हैं. ये रूट जो पुरान में होते हैं खालून वर्ती ग्रो करता है. कहाँ ग्रो करता है? क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं, अब रूट का काम क्या है, पानी अब्सॉर्ब करना, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं कौन से प्लांट में पाया जाता है याद रख लेना, राइजोफोरा. राइजोफोरा मी जेव्हा ही याच्यावर क्वेश्चन टाकेल त्याच्या ऑप्शन मध्ये अजून एक काय टाकणार आहे माहिती मी, रायझोबियम पण टाकणार आहे. म्हणजे एक ऑप्शन रायझोफोरा असेल आणि दुसरा ऑप्शन मी रायझोबियम असेल. आणि असं सांगून पण मी चॅलेंज ना सांगतो की तुमच्यापैकी 20-30% लोक रायझोबियमच मार्क करतील, एवढे ते म्हणजे कन्फ्यूज असतात प्रत्येक गोष्टीत. रायझोबियम नाम एनसीईआरटी में है लेकिन वो बॅक्टेरिया आहे भाई लोग, नायट्रोजन फिक्स करणे वाला बॅक्टेरिया है वो रायझोबियम. ओके और ये रायझोफोरा प्लांट है जो कहां पे ग्रो करता है, मार्शी लैंड में ग्रो करता है, मार्शी लैंड में. मार्शी लैंड मतलब दलदल में ग्रो करने वाला ये क्या है, इधर इज देयर बीट रूट एंड टर्निप ऑलमोस्ट सेम है प्रतीक्षा ते, म्हणजे एकच जवळचे, थोडा सा फरक असतो त्याच्यामध्ये. तुम्ही तसं जरी मानलं तरी चालेल ते. देन तो देखो न्यूमेटोफोर जो है वो राइजोफोरा में पाए जाते हैं. डायग्राम देखते ही हम आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो न्यूमेटोफोर्स है ये ग्रो करते हैं किधर, मार्शी लैंड में जहां पे दलदल है, और वो जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. तो दीज आर दी रूट्स, यहां पर प्लांट है वो प्लांट बॉडी है कहीं पे, और उसके ये रूट्स है जो पानी से ऊपर आ रहे हैं. क्योंकि अब बेसिकली रूट का काम क्या होता है, पानी अब्सॉर्ब करना होता है, लेकिन यहाँ पे पानी इतना है कि उसको कुछ ज्यादा डीप ग्रो करने की जरूरत नहीं, पानी में ही है प्लांट. लेकिन दिक्कत ये होती कि फिर नीचे जहां पर पानी है वहां पर मिट्टी में सॉइल में हवा नहीं जाती. ओके और रूट को जो ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए वो मिल नहीं पाता, इसलिए रूट्स जो है वो एडाप्ट हुए हैं इस कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, और वो ऊपर की तरफ हवा की तरफ ग्रो करते ताकि उन्हें हवा मिल जाए. ओके देन यहां पर हवा उसे मिलने के लिए एग्जाम्पल क्या है, दो बार वहां पे मतलब आपको बोलना है वो दो बार क्या, राइजोफोरा. राइजोफोरा क्या नहीं है, राइजोबियम नहीं है, क्योंकि राइजोबियम भी एनसीईआरटी में है, राइजोफोरा भी एनसीईआरटी में है. आज टॉपिक कम है, कंटेंट कम है तो याद रह जाता है, लेकिन जब एग्जाम तक पहुंचते हो तब राइजोबियम और राइजोफोरा में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है. दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, बहुत से लोगों की दिक्कत है. क्यों होता है दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, रिविजन अगर कम हो गए तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है. बहुत से लोगों को कंटेंट बढ़ने के बाद दो ऑप्शन में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि ये है, दो रूल आउट कर देते हो, लेकिन दो नजदीकी ऑप्शंस में कंफ्यूजन होने का सबसे बड़ा रीजन है कि रिवीजन कम होना. जिसके रिवीजन इम्प्रॉपर है उसमें उसको वो दिक्कत आती है. तो भाई राइजोफोरा जमीन से ऊपर ग्रो करते हैं और इनमें क्या है, मतलब ये क्या करते हैं, एयर जो है, हवा जो है, उस हवा को ये मतलब लेते हैं हवा के लिए ऊपर आए हुए. Then, इनको क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है.
अब तीसरा जो पॉइंट है वो है नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट्स किसमें ग्रो कर किसमें होते हैं? तो नोड्यूलेटेड रूट्स जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब शेंगा वर्गीय प्लांट जिनमें फ्रूट जो है वो पॉड के फॉर्म में आते हैं। पॉड के फॉर्म में ये लेग्यूमिनस प्लांट जो है उनमें रूट्स सॉरी फ्रूट्स आते हैं। जस्ट अ मोमेंट। नोड्यूलेटेड रूट्स पर नो मैच पहली कर कालची काल जरा जे संपल्यानंतर बऱ्याच जणांना वाटला असेल बघायला पाहिजे होती का। तर 1 मिनिट कोणाचा तरी भला मोठा डाऊट आलेला आहे की अरे डिलीट पण केला असं काय इतका मोठा टाइप करून डिलीट करायचा पण इकडे लक्ष दे ना बाबा पण मी बघितलाय डाऊट तो हे बघा हे जे रूट्स आहेत मी डाऊट्स पाहिलाय नलावडे देखो भाई इसमें ना आपको अगर ठीक से देखो तो यहाँ पे नोड्यूल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे नोड्यूल्स 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 दिख रहे हैं तो ये नोड्यूलेटेड रूट है। या फिर और एक इमेज देख लेते हैं। नोड्यूलेटेड रूट्स में मतलब किसमें होते हैं? वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। देखो ये भी एक डायग्राम है जिसमें रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स मतलब गाठी दिसतात तिथ। पेज नॉट फाउंड ओके नो प्रॉब्लम यही पे देख लेंगे। तो रूट पे ना ऐसे नोड्यूल 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 होते हैं और रूट पे नोड्यूल 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 होते हैं। गाठी 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 असतात तिथे आणि या ज्या गाठी असतात याच्यात कोण बसलेलं आहे? याच्यामध्ये बॅक्टेरिया बसलेले आहेत या गाठींमध्ये। म्हणजे इथं मी माझ्याच चित्रकलेला न्याय देतो एक वेळेला। हे बघा हे रूट्स नोड्यूल 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 दिसत आहे तर मी आता माझ्या चित्रकलेला वाव देतो। ये कौन है अनिरुद्ध? ये क्या है? ये तेरी मिट्टी है ओके। पर तेरी मिट्टी में कौन है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स है। अब लेग्यूमिनस प्लांट में टैप रूट सिस्टम होता है क्योंकि वो डाइकॉट है। और ये प्राइमरी सेकेंडरी जो रूट्स है इनके ऊपर यहाँ पे कौन होते कौन अस्तरी गठी 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 अच्छे नोड्यूल 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 नोड्यूल। आणि या नोड्यूलच्या आत जर बघितलं तुम्ही जर नोडीच्या आत गेले तर आतून तुम्हाला कोणीतरी धप्पा देतं। कारण तिथं कोण आहे धप्पा द्यायला बसलेलं? तर धप्पा द्यायला बसलेली आहे तिथं नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया। ते नोडीच्या आतून म्हणतात धप्पा। तर हे जे नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहे पोरांनो हे हवेतला नायट्रोजन घेतात आणि प्लांटला देतात। कारण प्लांट डायरेक्टली हवेमधनं नायट्रोजन घेऊ शकत नाही ओके। सो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके प्लांट को देते हैं। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। या मैं सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन बता दूं कि वो हवा में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में होता है और उसको NH3 के फॉर्म में मतलब अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन है वो? ये बैक्टीरिया है। प्लांट वैसा नहीं कर सकते, हायर प्लांट नहीं कर सकते वैसा। तो ये N2 को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके रूट्स या प्लांट को दे देते हैं। बदले में प्लांट उनको रहने के लिए जगह दे रहा है। ये जो बंगले है यहाँ पे ओके एवढे मोठे मोठे बंगले बांधून दिलेले त्याच्यात बरोबर इथे केटरिंग फूड पण मिळतं त्यांना पाहिजे ते सगळं। तो यहाँ पे फूड मिल रहा है शेल्टर मिल रहा है बदले में नाइट्रोजन देना है तो वो दोनों का बेनिफिट है। इसलिए दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो नोड्यूलेटेड प्लांट में नोड्यूल्स है वो नोड्यूल्स प्लांट को ग्रो करने के लिए होते हैं। सॉरी नाइट्रोजनस बैक्टीरिया को फिक्सिंग बैक्टीरिया को रहने के लिए होते हैं। दिक्कत की कोई बात कोई परेशानी? अभिषेक थोरवे क्या अड़चने करे देन ओके। अब हम मतलब हमने टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशंस पढ़ लिए। टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ लिए। पहला क्या है? फ्लेशी रूट जिसमें कोनिकल अगर है तो कैरेट है, नैपी फॉर्म अगर है तो टर्निप है, फ्यूजी फॉर्म अगर है तो यह रेफेनस सटाइवस मूला। न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा में होते हैं जो कि पॉजिटिवली एरोट्रॉपिक है।
मार्शीलँड जो है, मार्शीलँड म्हणजे दलदल, तिथे रायझोफोरा वाढतात, तर पाण्याचा विषयच नाही आहे, पाणीच पाणी जिकडे तिकडे, ब्लू है पाणी 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 पाणी, ओके. दिक्कत किसकी है, हवा की नहीं, हवाई छोड़ रहा नहीं कोई वहां पे, तर तिथे कोणी हवा द्यायला आत सोडायला नाही आहे, म्हणून रूप स्वतःवरती येतात आणि हवा घेतात, ज्यांना कळालं त्यांना कळालं, ज्यांना नाही कळालं त्यांनी फक्त कॉन्सेप्ट समजा, ज्यांना जोक कळाला त्यांनी जोक एन्जॉय करा, तर पुढे सो आता हे झाले मॉडिफिकेशन्स कोणाचे रे, हे मॉडिफिकेशन झाले टॅप रूट सिस्टीमचे. आता ऍडव्हान्टिशियस रूट सिस्टीमचे मॉडिफिकेशन्स आपण बघणार आहोत. ऍडव्हान्टिशियस रूट सिस्टीमचे मॉडिफिकेशन पण इंटरेस्टिंग आहे. सो आगे बढ़ते हैं. ऍडव्हान्टिशियस रूट आजचं हे शेवटचं बीट आहे. पोरांनो जरा दीर्घ श्वास घ्या, ऑक्सिजन पोहोचू द्या प्रत्येक सेल पर्यंत. ऑक्सिजन कमी झाला की तुम्हाला तो गैरसमज बरं का की झोप येते म्हणून जांभळी येते, ऍक्च्युली CO2 लेवल वाढते म्हणून आहे. तर ऑक्सिजन डीप घ्या पूर्ण शरीरामध्ये, काय म्हणतात त्याला, हवा जाऊ द्या, नाहीतर ते रायझोफोरा सारखे रूट्स निघतात ना, हवा पोहोचली नाही की. तर ऍडव्हान्टेजियस रूट्स मध्ये मॉडिफिकेशन, चलो ते होता का कॉन्सेप्ट तुमच्याकडे, असेलच नक्कीच असेल. बोराची आठवणी गिळली की ते सीड बोर खात असताना की नाही आता झाड येतंय पोटामध्ये, त्या दिवशी परेशान असायचे 2-4 जण की आता आठवणी गिळली आपण बोराची, मग आता झाड येणार. सो ते जाऊ दे, आता फार सविस्तर डिस्क्रिप्शन नको त्याचं. इकडे बघा ऍडव्हान्टिशियस रूट्स, ऍडव्हान्टिशियस रूट्स में पहला वही है फ्लेशी रूट. खाली एडवांटेजियस रूट्स वो होते हैं जो रेडिकल से नहीं डेवलप होते हैं. रेडिकल से डेवलप हुए वो टैप रूट है. तो फ्लेशी रूट जो है, ये फ्लेशी रूट्स में, फ्लेशी रूट्स जो है वो उधर भी इधर भी, और मैंने कहा कि फ्लेशी वर्ड आते ही समझ लेना कि वो स्वेलप हुआ है, बड़ा हुआ है, स्वेलिंग झालेली है. तो ये जो फ्लेशी रूट होते हैं, ये एडवांटेजियस रूट में इधर दो दो सब टाइप है, ट्यूबरस फ्लेशी रूट्स एंड फैसिक्यूलेटेड फ्लेशी रूट. फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस फ्लेशी रूट से एग्जाम्पल है रताड़, स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल है भाई उसका, स्वीट पोटैटो. और दूसरा फैसिक्यूलेटेड का एग्जाम्पल है डहलिया. डहलिया एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं. फ्लेशी एडवेंटेशियस रूट, फ्लेशी एडवेंटेशियस रूट. मी म्हणत होतो कालच्या मॅच बघितलं का ते, कालची की कधीची ती सुपर ओव्हरची मॅच, फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स. तो इसमें दो चीजें आती है, एक होता है ये ट्यूबरस रूट है, दीज आर दी ट्यूबरस रूट्स जो स्वीट पोटैटो उसका एग्जांपल, और ये जो ग्रुप में दिख रहे हैं ऐसे, दीज आर दी फैसिकुलेटेड रूट्स. फैसिकुलेटेड है वो, ये जो फैसिकुलेटेड है इसे, ये एग्जाम्पल इसका डहलिया, एंड ट्यूबरस का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो ओके. सो भाई ये स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट है और डहलिया जो है वो फैसिकुलेटेड है, और दोनों किसके एग्जाम्पल है, फ्लेशी रूट के एग्जाम्पल है. किसके अंडर, तो एडवेंटिशियस रूट्स के अंडर. इसके बाद की सारी चीजें आप लोगों ने देखी हुई, देखी हुई क्या, ये तो आप खाते हो ट्यूबरस रूट, मतलब इसके बाद स्वीट पोटैटो देने के बाद आपको याद आना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं ट्यूबरस फ्लेशी रूट. ओके, ट्यूबरस फ्लेशी रूट वो किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है. दूसरा अब पिलर्स, पिलर्स मुझे खाम, पिलर मतलब पोल्स. ओके, सो पिलर्स जो है, जैसे कि हमने देखा था माझ्या चित्रकलेला सुरुवातीला न्याय देतो, ज्यावेळेला एखादा प्लांट असं हॉरिझॉन्टली ग्रो करतो ना, तर हे जे छप्पर आहे म्हणजे असं हॉरिझॉन्टली वाढायला लागलं की ते असं असं जाईल ना खाली, असं वाढायला लागलं की असं खाली जाईल, मग ते असं खाली जाऊ नये म्हणून जसं आपण तंबूला खालून काय लावतो, तंबू मध्ये खालून ते बांबू लावले जातात, तसे इथे बांबू सारखंच म्हणजे पिलर सारखंच काम करणारे रूट्स खाली येतात त्याच्या ब्रांचेस पासून, हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस पासून. तो हॉरिझॉन्टल ब्रांचेस से रूट्स नीचे आते और वो जमीन में चले जाते, मतलब नॉर्मली रूट्स जो है वो जमीन में स्टार्टिंग में जाते, ये ऊपर से नीचे आके जमीन में धस जाते हैं. पर्पस क्या है इनका, तो ये आड़ा जो फैल रहा है इसको सपोर्ट देना है जगह जगह पे, ताकि ये नीचे ना आ जाए. ओके, सो ये है
पिलर का काम, सपोर्ट देना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल वो बनियान ट्री जिसको हमने पहले ही देख लिया है, तो पिलर्स। दिस इज द एग्जाम्पल। खूप काळ जगलं की असं ते पसरत जातं आणि पसरलं की हे इकडे असे हे असतात, दिसतात हे तिकडे। औरंगाबादला जे आलेले आहेत ते इकडे वेरूळला वगैरे जाताना खूप मोठे मोठे झाड आहेत, तर त्यांना हे दिसतात। आणि मला असं वाटतं की तुम्ही ज्यांनी ज्यांनी सूर पारंब्या हा खेळ खेळलेला आहे त्यांना हे माहिती असेल चांगलं की हे याला लटकून वगैरे पोरं खेळायचे। आता ते सूर पारंब्या हा पबजीवर शिफ्ट झाला आहे। अगोदर हे असे खेळ असायचे, आता ते लोक पबजी खेळतात। लोक म्हणजे आता जे खेळण्याचं तसं वय नसतं, ऍक्च्युली कायमच खेळत राहायला पाहिजे। कारण खेळ जे असतात आउटडोर गेम्स म्हणतो मी, हे फक्त तुम्हाला फिजिकलीच फिट नाही ठेवत, मेंटली पण तुम्ही तेवढा वेळ तिथे इन्वॉल्व असतात, तर त्याच्यासारखं रिफ्रेशमेंट काही नाही आहे। पण ते असो, एखादा जोक, ते जोक सांगायला तुमचे तोंड दिसायला पाहिजे, कार्टून चेहरे दिसले ना मग ते येतात जोक्स। आता इथे काय कॅमेराकडे बघून, हे बघून काय जोक सुचणार, हे बघून तर म्हणजे असं ध्यान धारणा करण्याची मानसिकता येते, इथं असं वैराग्य आल्यासारखं वाटतं हे बघून। ओके चलो, ये पिलर्स है भाई। पिलर का काम क्या है, वो ऐसा आड़ा फैलने वाला जो होता है उसके जो मतलब उसको सपोर्ट देता है ये। दूसरा आपने ये भी देखा है उसके बाद, स्टिल्ट रूट या फिर ब्रेस रूट, स्टिल्ट या ब्रेस। रूट्स या फिर क्या है दूसरा नाम उसका, ब्रेस रूट, स्टिल्ट रूट्स या फिर ब्रेस रूट्स। तो ये स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट जो होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, तो ये स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स बहुत, जब किसी प्लांट का ना विड्थ कम है लेकिन हाइट ज्यादा है उसके औकात से, होता है ना कुछ कई बार कि विड्थ कम है लेकिन औकात से बहुत ही ज्यादा हाइट है, इस नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड, तो ये गिर सकता है हवा के साथ साथ, हवा के संग संग ये गिर सकता है। इसलिए नीचे वाला जो नोड होता है ना वहां से ऐसे रूट्स जमीन में आ जाते हैं। ओके, जैसे कि शुगर केन या फिर दूसरा एग्जांपल इसका मेज। ओके, शुगर केन या मेज में मैं देख ये चीज दिखाते ही आप में से जो लोग खेत में जाते हैं उन्होंने ये देखा होगा, तो जो लोग नहीं जाते, जो लोग सबवे सर्फर खेलते रहते हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनको यहाँ पे पता चल जाएगा। स्टिल्ट, देखो भाइयों और बहनों, ये फायदे करे ये असं आपलं मेस किंवा उसाच्या झाडाच्या बॉटमला हे असं असतं बघा, आणि खाली जमिनीत गेलेलं असतं, काय काम आहे असं, ते असं थिकनेस जो असतो ना तो थिकनेस पेक्षा हाइट खूप असल्यामुळे ते कोसळू शकतं वाऱ्यानं, और इसलिए उसे वहां पे मतलब नेचुरली ये प्रोटेक्शन है कि भाई वो सपोर्ट देने के लिए होता है ताकि वो गिरे ना। ओके, देन ओके, तो चलो भाई ये हो गया क्या, स्टिल्ट रूट अब या फिर ब्रेस कहा जाता है इसे, स्टिल्ट रूट या ब्रेस। आगे अमरवेल तुम्ही पाहिलेला आहे, अमरवेल म्हणजे दुसऱ्या झाडावर राहणारा तो प्लांट असतो। मी तुम्हाला किती चौथं मॉडिफिकेशन सांगतो, पहिला कौन सा देखा हमने, फ्लेशी ट्यूबरस, फेसी फ्लेशी फॅसिक्युलेटेड। दूसरा हमने क्या देखा, ये पिलर्स देखे, उसके बाद हमने स्टील रूट या ब्रेस्ट रूट देखे। अब अमरवेल म्हणजे तो जो कस्कॅटा असतो, वो कस्कॅटा जो है ये कस्कैटा पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब खुद वो कुछ नहीं कर सकता, प्लांट पे दूसरे डिपेंड है। तो सपोज ये होस्ट प्लांट है जिस पे वो कस्कैटा ग्रो करने वाला है, तो कस्कैटा क्या कर रहा है, इस पे ग्रो कर रहा है, ये कस्कैटा है। तो कस्कैटा क्या करता है, उसके जो रूट्स है वो इस प्लांट में डालता है, ये रूट्स जो है वो इस प्लांट में डालता है, पेनिट्रेट करता है और उस रूट से प्लांट्स की बॉडी से न्यूट्रिएंट सक कर लेता है। इन रूट्स को कहा जाता है सकिंग रूट्स, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट सक करते हैं, सकिंग रूट्स, या फिर इनका नाम है
हॉस्टोरियल रूट, सकिंग रूट्स या हॉस्टोरियल रूट्स. ओके, तर ते काय करतं, पॅरासाइटिक तर अमरवेल जो आहे, एकच मिनिटात हा कॉन्सेप्ट लगेच इथे अतिशय शिथाफीने आपण इथे हा पण पाठ करून घेऊ. ओके, ये देखो भाई, अब वो कितना क्लियर दिख रहा है आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. मतलब ये तो दिख ही जाएगा कि यहाँ पे ना, ये जो है ये कस्कैटा है, अमरवेल है हा. ओके, आणि हा जो अमरवेल आहे, हा ही खालची जी ब्रांच आहे ना, ती होस्ट प्लांटची आहे. होस्ट प्लांटची ब्रांच आहे. आता त्याच्यामध्ये झायलम फ्लोएम असणार आहे, याच्यामध्ये, म्हणजे हा होस्ट प्लांट मध्ये बोलतोय, झायलम फ्लोएम असणार आहे. हा वरचं जी वेली सारखी दिसते तुम्हाला, येलोइश किंवा रेडिश कलरची, ते काय कस्कॅट आहे. अब इस कस्कैटा से जो रूट निकल रहे हैं ना, तो वो होस्ट प्लांट की बॉडी में जा रहे हैं. ये जो रेड एंगल्स यहाँ पर दिखा है ना, यहाँ से ये रूट्स दिखते हैं. मतलब मुझे तो दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं दिख रहे हैं या नहीं. वहां से इमेजिन कर लो कि यहाँ से रूट्स अंदर जा रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स खींच रहे हैं. सो ये मतलब हॉस्टोरियल जो है, ये हॉस्टोरियल रूट्स या फिर सकिंग रूट्स जो है, वो होस्ट प्लांट की बॉडी से न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं. अरशान बोल रहा है, सर आप शायद बहुत ही गेम खेलते हो, आपको सारे नाम पता है. तो भाई मेरा हो चुका है एजुकेशन, मेरा कंप्लीट हो चुका है. मैं आज नहीं खेलूंगा तो कब खेलूंगा. तेरी पढ़ाई बाकी है, तू भी अगले साल नीट क्रैक कर ले, तुझे भी कोई नहीं बोलेगा. अगले साल कौन बोलेगा, ये सिर्फ 12th तक ही बोला जाता है आपको. अरे पढ़ो, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद कोई किसी को, मेडिकल इंजीनियरिंग किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में जाने के बाद कोई नहीं बोलता. इनफैक्ट घर वाले भी, एक बार आप प्रोफेशनल कॉलेज में चले गए, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं मेंटली. वो भी कुछ नहीं बोलती कि भाई कुछ भी होने दो, 5.5 साल में नहीं तो और 6-7 महीनों के बाद कंप्लीट होगा. लेकिन कंप्लीट तो होगा उसका ग्रेजुएशन मेडिकल में. आज जो है, अभी दिक्कत यह है कि अब आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है. बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होते, बाद में आपको सिर्फ वहां पे परफॉर्म करते रहना होता है, एक क्लास से अगले, अगले ईयर से अगले, उसके बाद चलता रहता है करियर आपका. ओके, हाँ बाद में दोनों मिलके खेलेंगे ना. अब तुझे हारना ही है तो तू खेलेगा मेरे साथ. ओके, ओ ते ट्रापा वगैरह पुढे येईल प्रीती. क्लासेस कधी सुरू होतील, तुम्ही बाकी गोष्टी डोक्यात घेऊच नका. कधी काय सुरू होईल, काय नाही सुरू होणार, जे सुरू आहे त्याला एन्जॉय करा. मस्त लवकर सिलेबस संपायचा, फुल डाटा पॅक ठेवायचा. याच्यात किती किती रिलॅक्स आहे यार, किती मस्त आहे. घरी बसून आरामशीर मोबाईल मध्ये बघतायत तुम्ही. इंटरॅक्शनचा प्रश्न तर तुम्ही पण नोट केला असेल की तुम्ही जेवढे डाउट ऑफलाईनला विचारत नव्हते, तेवढे डाउट्स तुम्ही ऑनलाईनला विचारतात. ऑनलाइन नसते डाउट्स डाउट्स डाउट्स, कारण समोर नसल्यामुळं तुम्हाला कोणी काही, म्हणजे असं जो जो कॉन्फिडन्स आलेला आहे सगळ्यांना, तर उलट तुम्हाला कम्फर्टेबल आहे ना हे, की घरी बसून आरामशीर पाय पसरून बसलेले आहात, मोबाईल समोर आहे, डाउट लगेच टाइप करून टाक. इथं वर्गामध्ये एवढे डाउट्स तुम्ही, अर्शान कब पूछे हैं तुम्ही इतने डाउट. ओके चलो चलो भाई, तो ये हो गए प्रॉप रूट. किसी ने बोला है, फिर से बोलो, बोलता हूं थोड़ी देर के बाद. तो ये हॉस्टोरिया है, हॉस्टोरियल रूट से ये. चलो ठीक है, अब उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं इपीफाइटिक रूट एंड इपीफाइलस रूट. इपी मतलब ऊपर, इपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट. ठीक से समझ लेना, इपीफाइटिक. और दूसरा मैं कौन सा बताने वाला हूं, इपिफाइलस. नाम में बहुत कुछ होता है भाई, वो गलत है, नाम में कुछ होता नहीं है. इपी मतलब ऊपर और फाइटा मतलब प्लांट. इपी मतलब ऊपर, फाइटा मतलब प्लांट. इपी मतलब ऊपर, फाइला मतलब लीफ. इपी मतलब ऊपर, फाइला मतलब लीफ. तो ये इपिफाइटिक रूट प्लांट के ऊपर होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं. सपोज ये एक प्लांट है और ये उसका ब्रांच है, लग नहीं रहा है लेकिन है, क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है. तो ये ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर यहां पे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है. मतलब प्लांट के ऊपर प्लांट है. तर ये जे प्लांट है ते आता हवेत है ना, जसं तुम्ही हवेत होते, यावर्षी रिझल्ट येऊन जाईल, तसे प्लांट हवेत है. मग याला पाणी कुठून मिळणार, तर हे प्लांट इथं खाली असे रूट्स प्रोड्यूस करतं.
मग हे प्लांट वर जे प्लांट आहे त्याला इपीफायटिक प्लांट म्हटलं जातं, जे प्लांट हवे ते तुमच्यासारखं, आणि हे जे रूट्स असतात ते इपीफायटिक रूट्स असतात, और ये रूट हवा से मॉइस्चर खींच लेते हैं. मीन्स दीज इपीफायटिक रूट्स आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक. और याद रखना यहां पर एक और क्वेश्चन है, ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं एनसीईआरटी में, यहां पर एक क्वेश्चन है कि इपीफाइटिक रूट्स आर हाइग्रोस्कोपिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, आंसर इज वेलामिन. वेलामिन नाम का एक सब्सटेंस होता है वहां पर, और वो हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से हवा से मॉइस्चर खींच लेता है. ओके और किसमें होते हैं एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, वांदा. जर का तुम्ही हा वांदा प्लांट लक्षात नाही ठेवला तर तुमचा पुढच्या वर्षी लागण्याचा पण वांदा होईल, लक्षात ठेवा बटानो. तर पुढच्या वर्षी लागण्याचा वांदा होऊ द्यायचा नसेल, जसे या वर्षी तुमचे वांदे झालेले आहेत लागण्याचे, तसे वांदे पुढच्या वर्षी लावायचे नसतील तर हा वांदा लक्षात ठेवा, जो इपीफायटिक प्लांट आहे आणि त्याचे रूट्स काय इपीफायटिक रूट आहेत, इपीफायटिक रूट आहेत आणि ते रूट हाइग्रोस्कोपिक असतात, मतलब हवा से मॉइस्चर खींच लेते हैं. ओके देन दूसरा मैंने बताया था इपीफाइलस रूट्स. इपी मतलब ऊपर और फाइला मतलब लीफ. तो कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम, जिसमें लीफ से रूट्स जनरेट होते हैं, लीफ से रूट्स आते हैं, लीफ पासून रूट येतात. तर माता हे लीफ काही रेडिकलचा डेरिवेटिव नाही म्हणून ते ऍडव्हान्टेजियस रूट मध्ये. एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम ये दोबारा आएगा ब्रायोफाइलम. तो इपीफाइटिक रूट्स और इपीफाइलस रूट्स इमेजेस का सुरू आहे तेवढ्या दाखवणं, कारण मेमरी जास्त व्यवस्थित लक्षात राहतं आपण ज्या वेळेला व्हिज्युअलाइज करतो म्हणून. इपीफाइलस पहिले इपीफाइटिक देखते. देखो ये जो है ये ब्रांच है और इसके ऊपर ये प्लांट है और इससे ये जो रूट्स निकल रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द इपीफाइटिक रूट्स. देख रहा है यहां पर जो रूट्स निकल रहे हैं वो इपीफाइटिक रूट है जो हवा से मॉइस्चर खींच लेंगे क्योंकि उसमें वेलामेन होता है, तो ऐसे को इसे कहेंगे इपीफाइटिक. दूसरा क्या है इपीफाइलस. इपी मतलब ऊपर, फाइला मतलब, फाइला मतलब ये डायग्राम एनसेरेटिक है तो लीफ के ऊपर रूट्स होते हैं. और आज का लास्ट पॉइंट क्या है, आज का लास्ट पॉइंट, तो आज का लास्ट पॉइंट है फ्लोटिंग रूट्स. फ्लोटिंग रूट्स तो ये जो फ्लोटिंग रूट्स है ऑब्वियस है कि वो पानी में तैरने वाले ही प्लांट्स के होंगे. तो फ्लोटिंग रूट्स जो होते हैं वो जूसिया नाम के प्लांट में होते हैं और ये फ्लोटिंग रूट्स उस प्लांट को तैरने में यानी स्विमिंग में या फिर फ्लोट होने में मदद करते हैं. स्विमिंग की ज्यादा, फ्लोट होना ज्यादा करेक्ट वर्ड है. तो ये फ्लोटिंग के लिए हेल्प करते हैं. एंड सेकेंड थिंग ये देखो ये फ्लोटिंग रूट्स जो है वो हवा एब्जॉर्ब करने के लिए, एरिएशन के लिए भी मदद करते हैं और फ्लोट होने के लिए भी मदद करते हैं. सो दीज आर दी फ्लोटिंग रूट्स. ये फ्लोटिंग रूट्स है जो मिट्टी में नहीं है, पानी में है और वो प्लांट को ऊपर फ्लोट होते करवाते रहते हैं और साथ ही साथ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं. तो भाइयों अब ये जो जितने पॉइंट्स है आपको लेक्चर खत्म होते नोट्स आ जाएगा, उसके बाद टेस्ट भी अभी असाइन होगा. तो अब क्या करना है, पहले नोट्स पढ़ लेना है पूरा और उसके बाद टेस्ट ओपन करना है. टेस्ट असाइन हो जाएगा तो पहले नोट्स पढ़ना है और उसके बाद कल मैं फिर से सब कुछ रिवाइज करूंगा तो मुझे कल आपको सब याद आना चाहिए. मैं लिखने से पहले वर्ड आपकी जबान पर होना चाहिए. ओके तो अब यहीं पे रुकेंगे. रूट्स हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर का सारा कंटेंट हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम कल जो है वो स्टेम शुरू करेंगे. तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू.